नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, मैं टीम सीएलसी के साथ आज आपसे मिलने जा रहा हूं नीट 2023 के पेपर सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों पेपर हो चुका है, एक बड़ा इंतजार रहता है इस दिन का कि हाँ पूरी साल जो मेहनत करते हैं वो हमारे बच्चे किस प्रकार से एग्जाम में गोले के रूप में चेंज करके आते हैं। तो दोस्तों आज के पेपर की चर्चा थोड़ी कर लें, पेपर फिजिक्स का, क्यों साथियों एक लास्ट ईयर था वैसा ही है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा पेपर लास्ट ईयर से अपर लेवल पे है, बायो जो पिछली बार था उसको वैसा ही मान सकते हो, कुछ इजी मान सकते हो, तो कट ऑफ वगैरह का आइडिया तो सुबह तक लग पाएगा। अब हम सबसे पहले आपको पेपर के सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हम सॉल्यूशन में आपको एक लंबा सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, पहले हमारा मकसद रहेगा कि आपको की बता दी जाए और थोड़ा सा हिंट क्यों, अभी आपका मकसद क्या है, मेरा सही या गलत है, क्यों दोस्तों अभी ये टारगेट नहीं है कि वो गलत हुआ कैसे या सही हुआ कैसे, अभी तो एक ही बात है कि वो गलत है या सही है। तो हम F6 हमारा पेपर है, स्टार्ट करें भाई जगदीश जी, F6 के पेपर का हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो जो सामने बच्चे देख रहे हैं जो लाइव से जुड़े हैं, ये सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, सीकर संदेश के फेसबुक पेज पे, बॉल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पे हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं, इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं, करने की बात ही नहीं है, पहले 35 क्वेश्चन है वो पूरे करने होते हैं और फिर 35 से 50 के बीच 15 क्वेश्चन जो है उनमें से अपने को 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 आपको छोड़ने होते हैं, स्कोर करने की जरूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, करी कॉमन सी बातें हैं, रूल सब जानते हैं। आ जाए सर, तो मैं मेरे साथियों का इंट्रोडक्शन भी करता जाऊंगा, मेरी टीम के साथी आएंगे और आपको पेपर का की बताते जाएंगे, हल्का फुल्का सॉल्यूशन आपको देते जाएंगे, हम 1 से लेकर 200 तक जाएंगे दोस्तों। ओके डियर, तो सबसे पहले हम हमारे बुलाएंगे अंजनी सर को, आए अंजनी सर, आए हमारे अंजनी सर हैं, आप एक बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं हमारे, लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर कब से सीएलसी में आप? 11 साल से, पहले आप जोधपुर ब्रांच पे थे, उसके बाद आप बाबूलाल तैयार किए हुए हैं ना? हाँ बाबूलाल, बाबूलाल जी लेट आए, बाबूलाल जी उनके बॉस बाबूलाल जी के भाई साहब, बाबूलाल जी ये बिल्कुल हमारे अंजनी सर है, हनुमानगढ़ के रहने वाले आप, और बिल्कुल। तो सर हमारे अंजनी सर से हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे, तेरे पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल ताली बजाते हुए एक अच्छी खुशी हमेशा अच्छे मूड से की जाती है, अंजनी सर प्लीज शुरू करें। And distance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs is. काफी easy question है ये, और simple एक formula है. F equals to 1 ohm. 1 upon 2 pi root LC. Yes sir. Formula को लगाइए और इससे second option. हाँ भाई, थर्ड ऑप्शन है। ओके डियर, एक बार अपन फिर से वापस टिक मार देते हैं, इसको बोलते हैं एग्जाम देखो प्रेशर, है ना? इसलिए बच्चों गलत आप प्रेशर नहीं है, देखो प्रेशर हमारे पे होता है, आंसर क्या हो गया थर्ड, पूरी सामने टीम बैठी है भाई। दोस्तों हो सकता है यहाँ टिक हमसे किसी जोश में, काफी जोश में है, बच्चों पेपर बहुत अच्छे हो रहे हो, कल सुबह तक रिजल्ट भी सामने आएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा सर। हाँ अंजनी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। सिंपल एकदम बेसिक सर्किट है ये, 10 वोल्ट 5 वोल्ट दो बैटरी एकदम रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है 5 वोल्ट हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस 2+1+7 10 ओम हो जाएगा। इसका मतलब जो करंट है I इज इक्वल टू 5 बाय नेट रेजिस्टेंस 10, व्हिच मींस I इक्वल टू 0.5 एंपियर, और करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए टू बी की तरफ, है ना, वाया ई। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन। यस सर, फर्स्ट सही हो गया। आपको लग नहीं रहा है कि यार पूरी साल अपनी मेहनत क्यों करते हैं इतने? मतलब पेपर भाई नीट वालों कुछ तो थोड़ा बहुत तो पेपर का लेवल दे दो, फिजिक्स का तो वास्तव में पिछले जब से एनटी आया है ना, फिजिक्स में 180 नंबर आना है ना, मैं बच्चे की तो नहीं मानता पेपर का लेवल ही। अब इस क्वेश्चन में यार कहां दो बैटरियां है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिंपली वी इक्वल टू आई आर, देखा जाए तो 9th की एसटीसी बात है क्वेश्चन आजकल, और दोस्तों बच्चे लाइव देख रहे हैं, बेटा ये प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं ना, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है। मैं एक सार दोस्तों, आप मेरे सामने बैठे, मेरे पूरी सामने बैठे कैमरे के पीछे, मुझे इतना पता नीट का, तो कि 6 महीने सिस्टमेटिक तरीके से आप कोचिंग को फॉलो कर लो, टीचर्स को फॉलो कर लो, और शाम को लास्ट के 2 महीने अपना कैंप लगता है वो लगा लो, बस नीट तो वो फुटबॉल से बन जाती है, बेसरते की 6 महीने 2 महीने 8 महीने संस्था को फॉलो किया जाए। ओके डियर, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इंजीनियर सर, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है यार ये तो मैं कहता हूं मेरी इच्छा हो गई, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, वो देखो इसमें इसका रीडिंग क्या है, 0 तो ये इसका अर्थ तो कोई मीनिंग नहीं है, वोल्टेज जो है इसके क्रॉस 2 वोल्ट, बस 2 वोल्ट हो गया, सिंपली ये सर्किट हुआ बस, और इसको सिंपली तो कितना हुआ फिर, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी, और ये आपको बताऊं बोर्ड में आया हुआ है और दुनिया भर गाइड में है, हर टेस्ट में है, और शायद ये नीट में रिपीट हो चुका है मेरे हिसाब से। हाँ भाई साथियों आगे चलो, थैंक यू इंजीनियर सर। तो ये हमारे एक बार फिर से परिचय कराता हूं, ये मेरे इंजीनियर सर हैं,
सीएलसी की दोस्तों टीम बहुत मजबूत है। कई बार हमारे कुछ साथी लिखते हैं अखबार में, फुल पेज विज्ञापन देते हैं एक्सप्रेस फैकल्टी, उनमें फोटो देखते हैं तो हमारे स्टाफ के लोग हंसते हैं, बहुत दो साल पहले ये अपने एफटीपी था, अपने इसको याद करो स्टाफ ने उनसे रवाना किया था ये एक्सप्रेस फैकल्टी, फिर हम क्या है फिर। तो डियर, कागज पे लिखने से फैकल्टी एक्सपीरियंस नहीं होती। आप 11 साल से काम कर रहे हैं सीएलसी के साथ। अग्निश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठे प्लीज। अगले साथी हमारे आए, किशोर सर आए हमारे। किशोर सर तो स्टूडेंट भी हैं सीएलसी के, कितने साल हो गए सीएलसी में आपको? 5 साल से पढ़ाते, कितने साल हो गए आपको? 12 साल से आप पढ़ा रहे हैं, 5 साल से आप सीएलसी के साथ हैं, मेरे गांव से भी हैं आप, और डियर मेरे गांव के पास के ही हैं तो गांव कहूंगा ऐसे में, और आप 98-99 के स्टूडेंट भी हैं सीएलसी के। चलो अगला क्वेश्चन निकाले, चले जी आए। इसमें है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स? पहले कहा कि साथियों हमारा काम है सॉल्यूशन करना नहीं है, हमारा काम है की को बताना है, क्योंकि अभी बच्चे के सामने क्या टारगेट है, अभी बच्चा क्या चाहता है कि मेरी की गलत है सही है, तो हम लोग किसका सॉल्यूशन कर ऐप है सिक्स का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके डियर, बोर्ड साफ कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसप्रिंट है बिल्कुल भाई, सुनो भाई इसमें आप पढ़े क्वेश्चन पढ़े। हाँ, इसमें है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ द थिन होलो स्फीयर। इसमें दो है, एक है सॉलिड स्फीयर दूसरा होलो स्फीयर है, आपको इसमें निकालना रेडियस ऑफ वेरिएशन। अपन जानते हैं घूर्णन त्रिज्या का अनुपात पूछा है, के होता है रूट ऑफ आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अपन लिखे हैं रूट ऑफ K1 बाई K2, K1 by K2 is equal to root of I1 by I2. अब दोनों की हमें इनकी वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, 2/5 हो गया, इसका है 2/3, 2 से 2 अपन उसको कर दें कैंसिल, तो वैल्यू हो गया आपका कितना 3/5, लेकिन रूट नहीं है। हाँ, रूट इसमें तो इसको हम तो बोनस ही कहेंगे बिल्कुल, क्यों बच्चों अग्री हो ना भाई, बोनस होगा ना भाई, इसमें कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है। हाँ, रूट 3/5 रूट कहीं नहीं है, और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूरी टीम सामने बैठी हुई है, पूरी टीम इस बात को जानती है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके डियर, चले आगे बोर्ड को साफ करके आगे चले, 6 क्वेश्चन पे आए। यस, इसमें है ये कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 3-7 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, आपको पूछा है इसमें सिंक का टी कितना है, तो आप जानते हैं एफिशिएंसी जो होता है ईटा इक्वल टू कितना 1/, मैं इसको लिखूं डब्ल्यू अपॉन कितना Q1, ईटा हमको दे रहेगा 50, इसका मतलब 1/2 कर सकता हूं इसको, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको अपन कहते हैं T1 माइनस का T2 अपॉन कितना T1, एक्चुअली बन गया 1 माइनस कितना T2/T1, तो इसे अपन निकाल सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आऊँ 1 को इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कितना 1/2, इसका मतलब हाफ हो गया, तो आप इस पर कहते हैं T2 इक्वल टू कितना T1/2, तो टेम्परेचर पहले कितना हाफ हो जाएगा, तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 300 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से 273 पर माइनस कर देंगे, आंसर क्या करोगे 27 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू, तो ये हमारे किशोर सर है, फिर से कहता हूं परफेक्ट टीम परफेक्ट फैकल्टी सीएल सर काम कर दोस्तों। आप किशोर सर हैं, 12-13 साल पढ़ा रहे हैं सीएलसी में, 5 साल जुड़े हुए, वैसे तो हमेशा जुड़े थे हमारे से, अन्य भी आप कहीं पढ़ाते थे तो एक लिंक हमेशा आत्मीयता हमारे साथ रहा है। थैंक यू डियर। इसके बाद फिर एक हमारे लाडले सुखदेव सर आ रहे हैं। सुखदेव सर कब से पढ़ा रहे हो आप? मेरे को पढ़ाते 13 साल हो गए। यहाँ सीएलसी में कब से? 7 साल से। 7 साल से पढ़ा रहे हो। ये वो सब साथी हैं जो दोस्तों अपने अपने हिसाब से अच्छा वर्क करते हैं। आए सुखदेव सर साथ में, आप पेन ले सर वहां से, साथ में क्वेश्चन पढ़े आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 अपने को बोल रहा है कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सीधा सा अपने को पता होता है कि जैसे मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू कितना होता है यू स्क्वायर, इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या देगा 2g देगा। yes. और अगर इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। क्यों हम थोड़े से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे का अभी मकसद क्या है कि मेरी की गलत है सही। अब अच्छा, अब फिर से कहता हूं, अब ये गलत है किसी बच्चे का तो वो डफर नहीं है, वो मेहनती नहीं है, उसको मैं डफर कैसे कह सकता हूं भाई? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब भाई ने किताब खोल के देखी नहीं है, गलत कह रहा हूं। चलो बोर्ड साफ करें, प्रश्न चले अगले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2×10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल्स टू 4 न्यूटन न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नेट मैग्नीट्यूड ऑफ
चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. तो यहां से अपने को टॉर्क दे रखा है, सब जानते हैं कि टो इक्वल टू क्या होता है अपने पास, पी ई साइन थीटा होता है. ठीक है, अब यहां से अपने को थीटा दे रखा है और यहां से अपने को सब कुछ दे रखा है, तो यहां से अपने पास पी आ जाएगा क्यू. हाँ, ठीक है ना, तो पी अपने पास आ गया. क्यू पी को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 क्यू इंटू 12. अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा. साथियों सही आंसर चल रहा भाई? हाँ, ये सब ध्यान रखें. ओके सर, बोर्ड साफ करें. अब फिर से कह रहा हूं भाई, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. थैंक यू, आगे चले 9 क्वेश्चन पे आए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि फोटोवोल्टेक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल सही बात है, जितनी भी अपने पास ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होती है, नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश से विद्युत, बिल्कुल लाइट टू फोटो इलेक्ट्रिक, सारी की सारी डिवाइस होती है, बिल्कुल यही काम करती है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल अपना सही हो गया. इसके बाद में अगला पढ़ते हैं कि जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन. बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. जनरल क्वेश्चन ये बनता है कि जनरल डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है. बिल्कुल, तो दोनों सही हो गए. दोनों सही हो गए. पुत्र टिक किसमें भरे? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. फोर्थ आंसर अपना साथियों सही कर दें. पूरी पूरी टीम साथी बैठे. थैंक यू, आगे चले अगले साथी को बुलाते हैं. तो ये हमारे सुखदेव सर थे. तो ये बिल्कुल सब उमदा प्लेयर हैं. ये सीकर की वो बेस्ट फैकल्टी है जो लंबे समय से सीएलसी के साथ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. थैंक यू सर. अब हमारे भागवत सर, सर भागवत सर आना चाहेंगे. भागवत सर है, भागवत सर अपने बोर्ड को साफ कर देते हैं. पर यार ये एक थ्योरी का प्रश्न है, ये गलत हो सकता है किसी बच्चों का, ये है ना. हाँ प्लीज, आप भागवत सर प्लीज पहले थोड़ा परिचय. आप कब से फील्ड में है? मैं 13 साल से हूँ सीएलसी में. 7 साल से. आप भी शायद जोधपुर से जुड़ के सीएलसी साहब? बिल्कुल. तो अंजनी सर है, भागवत सर है, ये हमारे बाबूलाल जी सब जोधपुर ब्रांच पे बहुत. लेकिन एक बताऊं आपको मैं, आपने दाने जोधपुर में जितने 7-8 पालीवाल सिलेक्ट हुए थे ना, वो अकेले इस साल हो जाएंगे जोधपुर के. मैं बहुत होश में कह रहा हूं, और बच्चे नंबर जोड़ के आएंगे. वो एक लंबी नाम लिस्ट तो कर बता देंगे. वो इस बार वो जो फरोजिया बेल्ट है ना पालीवालों का, दशेक तो वहां से वहां सेलेक्ट हो रहे हैं. एक ही जगह से 4-5 वो आपस रिश्तेदार भी है, बुआ मामा फूफा ऐसे हो. आए बाबू सर प्लीज आए. ये है द एरर इन द मेजरमेंट विच अरेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर. मतलब कि ऐसे एरर जो कि टेम्परेचर और उसके फ्लक्चुएशन के कारण आती है, तो इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट एरर. रैंडम एरर. और ये अपने एनसीईआरटी जैसा बोलते हो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से ये सर मैं फिर से कहता हूँ, ये नीट वाले बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी केमिस्ट्री की पढ़ते हैं, फिजिक्स देखते नहीं है, तो वही पछताते हैं. अब ये प्योरली लाइन एनसीईआरटी की. भाई मैं साफ साफ कह रहा हूं, नीट की तैयारी करनी है तो कुछ नहीं करना. टीचर को, हमारी टीम को फॉलो करें, उनकी कॉपी को पढ़ें, मॉड्यूल पढ़ें, उसके बाद एनसीईआरटी पे आएं, और लास्ट के 2 महीने जो कैंप लगता है उसको फॉलो करें. शायद करीब करीब है और लास्ट नंबर वास्तव इस चीज आती आती है अपने. चले भागवत सर आगे चले. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए. द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय द ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज पाइप. अब अपन में सीधा सीधा इसके अंदर फॉर्मूला है. जैसे ओपन पाइप है तो इसके अंदर फंडामेंटल का फॉर्मूला है V/4L. और दूसरा उन्होंने बोला है क्लोज पाइप वो 2L, इसका फंडामेंटल का फॉर्मूला हो जाएगा V/2L. तब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट. लेकिन एक बात हूं यार भागवत सर, यहां लफड़ा हो सकता है 2:1 और 1:2 का. हाँ. ये एग्जाम का सही से बताओ, सामने देखने वाले कितने लोग 1:2 भी करके आए हैं, टाट कुचरने बैठे बैठे बना. इसी का नाम कॉम्पिटिशन है, ये होता है. और एग्जाम में देते भी ऐसा ही आते देते हैं, रेशियो भी देगा देगा वो. नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर. ये फिर एक थ्योरेटिकल एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली. द नेट फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज, तो यदि कोई क्लोज सरफेस है तो इसमें से जितना भी फ्लक्स जाएगा वो हो जाएगा 0. आने वाला बराबर जाने वाला, बराबर आने वाला कल जाने वाला वाली बात होगी. तो थैंक यू भागवत सर, थैंक यू. तो ये एक और हमारी टीम के मौजूद प्लेयर भागवत सर है. अब हमारे रोज सर आए हैं. आप दो भाई हैं, महिपाल रोज, महेंद्र रोज, दोनों भाई सीएलसी के बहुत मजबूत टीम के प्लेयर हैं. आप कब से पढ़ा रहे हैं बेटा? 2014 से. मतलब 9 साल हो गए. कब से हैं? 2014 से ही. अच्छा सीएलसी, क्या बात है. मतलब क्या बात है, ये है साहब, ये टीम है जिसके बदौलत ये 28 साल सिस्टम राइजिंग मोड में काम कर रहा है. तो प्लीज नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आए भैया, आ जाए. ये मॉडर्न का एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14 इलेक्ट्रॉन, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें बड़ा सिंपल सा ऐसा लगता नहीं, इनको देख के नीट के क्वेश्चन है. मतलब यार एक ही नीट में क्वेश्चन आते हैं. अब सिंपल बात है यार कि जब आपको दे दिया इतना है, देखना ज्यादा कौन है कम कौन है. बिल्कुल. तो कैसे आया ये 2.20 इमिट कौन करेगा ये सीजियम, क्योंकि 2.14 नहीं करेगा
और 2.30 के लिए 2.30 वर्क फंक्शन ज्यादा हो रहा है इंसिडेंट फोटोन की। अच्छा इंसिडेंट सॉरी है इंसिडेंट है सॉरी सॉरी इंसिडेंट ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा इसके वर्क फंक्शन से ये फोटोन की आंसर क्या हो गया तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर हो गया। अब मेरे हिसाब से इससे आसान तो कोई प्रश्न बन सकता ही नहीं। कौन सा हो गया 13 ऑप्शन हो गया। आगे पे ये जो मॉडर्न के अंदर एक्सरे का पार्ट है वहां से एक क्वेश्चन आया है और यहाँ पे बच्चे को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाए। भाई एक्सरे एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे देखा जाए तो मैटरवेव से लिंक करके इसको बढ़ा, फिर भी मैं इस लाइव देखने सुनने वाले को मेरे टीचर्स को भी कहना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं एक्सरे पढ़ा देना चाहिए बच्चे को, तो दो क्लास में एक्सरे हो जाता है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रूट वोल्ट के डायरेक्ट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें या फिर वी के, तो एक्सरे के अंदर अपना जो है 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन करेंगे। ओके पेज खाली करें, आ गए हैं भाई नेक्स्ट आ जाए 15 में आ जाए। ये 15 ये एसी का ट्रांसफॉर्मर से एक क्वेश्चन आया है। 12 वोल्ट एंड 60 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हुज प्राइमरी कॉयल इज कनेक्टेड टू एसी मेन ऑफ 220 वोल्ट अज्यूमिंग दैट ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है इसका मतलब हम इसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर मान लो आई पी करंट है, ठीक है, और वोल्टेज प्राइमरी पे हमारे को पता है और पावर जो रहेगी वो इनपुट की और आउटपुट की सेम रहेगी, तो हम इसको 60 के इक्वल ले सकते हैं। तो आई पी के लिए सिंपल 60/VP कितना है 220 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल एक अगले साथी से तो ये हमारे महेंद्र रोज सर थे, अब अगले साथी से मिलाते हैं। आए सर आप हमारे केसी सर हैं, केसी सर आप कब से पढ़ा रहे इस इंडस्ट्री में? 13 साल हो गए मेरे को। आप सीएल से कब से? सीएल से 5 साल हो गए। बहुत लोग आपको कल की। ये हमारे केसी सर हैं, बहुत ही एक बहुत ही आराम से अपनी दुनिया मस्त रहने वाले। आप दोस्तों आप देखें हमारी पूरी टीम का परिचय आपसे कराया जाएगा, सोल्यूशन भी हो रहा है और टीम का इंटरव्यू भी हो रहा है कि ये वो लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं और टीचर हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं पूरी साल। तो प्लीज 16 में आ जाए सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लाइट ट्रेवल कर रही है एक्स डिस्टेंस T1 टाइम में एयर के अंदर, तो वहां से एयर के अंदर उसकी वेलोसिटी आ जाएगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी आ गई एयर के अंदर लाइट की। यस पुत्र। फिर उसके बाद बोल रखा है कि दूसरे मीडियम के अंदर 10x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है T2 टाइम में, तो दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10x/T2। यस ये आ गया। फिर बोल रखा है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल के लिए अपन बोलते हैं कि साइन थीटा क्रिटिकल या थीटा क्रिटिकल बराबर साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर के बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी। और म्यू जो है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी लिख देंगे सी मीडियम के अंदर और सी जो वैक्यूम के लाइट एयर के अंदर जो जा रही है, तो उससे अपना जो आंसर है थर्ड आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो ये निश्चित बात है अच्छा क्वेश्चन है, अपने तो क्या बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, लेकिन जो बच्चा लेकिन एक बात है किसी सर पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं नीट के बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो जैसे मैं किसी बुक का नाम कोट नहीं करूंगा, वो आईटी लेवल की बुक्स ले आते हैं जेई मेन लेवल्स की और हार्ड क्वेश्चन करते रहते हैं और बिना मतलब साल भर रहते हैं डिप्रेशन में, उनका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। आप भैया पेपर 23 का देख लें, 22 का देख लें, 21 का देख लें, 20 का देख लें, जब से एनटी आया 4 साल पेपर देख लें, बिल्कुल मॉडरेट पेपर आता है जिसको अपने नॉर्मल एक एनसीईआरटी और टीचर की ठीक सी मेहनत के साथ आप जैसे सक्षम लोग उनको पढ़ाने वाले जब मिल जाते हैं वो नया पार कर सकते हैं। ओके डियर क्वेश्चन 17 पे आ जाए। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक मेटलिक वायर का मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वायर है तो इसको हम सिलेंड्रिकल मानते हुए इसके अंदर एरर पूछी हुई है कि परसेंटेज एरर इसके अंदर डेंसिटी के अंदर कितनी होगी इसके अंदर, तो डेंसिटी लिख पाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम लिख सकता हूँ π r² × λ के बराबर। yes. तो जब एरर निकालते हैं तो इनमें हम रिलेटिव एरर जो है वो एड कर देते हैं, तो डेल्टा m/m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l, तो इसमें जो वैल्यूज है वो दे रखी है इनकी, तो परसेंटेज में पूछा है लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें इसका आंसर अपना आ जाता है 1. मैं फिर से कहना चाहता हूं देखने वालों को हम सॉल्यूशन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इस समय आप क्या चाहते हैं कि सर जल्दी से की प्लीज, और ये हम F6 कोड कर रहे हैं, हम थोड़ा इसलिए वेट करके कर रहे हैं ताकि जिसका आप कोड दूसरा हो तो बच्चा अपने पेपर को क्वेश्चन चेंज करने में समय मिल जाए उसको, क्योंकि सर लास्ट टाइम इंडिया में चॉइस कोड पेपर के इसके
करीब ऐसा मानना 24 करोड़ का पेपर आया है, तो पूरे देश के लोग लाइव देखते हैं, पूरे उत्तरी जहाँ हिंदी भाषी पूरा उत्तरी भारत जो है वो सीएलसी लाइव को देखता है, वो एक अच्छे व्यूअर जो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आराम से इसलिए भी कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं कि ताकि बच्चा अपने पेपर में उस क्वेश्चन को ढूंढ पाए। अगला क्वेश्चन देखें पुत्र। अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है कि यंग्स लेवल स्लेट एक्सपेरिमेंट में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट बोल रखा है कि अगर स्क्रीन को दूर ले जाएं, मूव करें अवे, तो उस केस में एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस के बीच में जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। तो एंगुलर सेपरेशन जब अपन लिखते हैं तो एंगुलर सेपरेशन के लिए ये डी, ये थीटा लिख रहे हैं, ये फ्रिंज विड्थ बीटा, तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो अपना लैम्डा पे डिपेंडेंट आता है, जबकि डी पेर इन पे इंडिपेंडेंट वैल्यू आ जाती है इसकी। तो इसके बेसिस पे देखेंगे तो सेपरेशन जब उसको मूव करवाएंगे तो सेपरेशन एंगुलर सेपरेशन वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्या आंसर देंगे इसका? तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रखा है कि जो वेवलेंथ है लार्जर अगर कर दे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लेकिन वेवलेंथ जो है लार्ज वाली ले ली तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जबकि होता ही है प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट अपना गलत आ जाता है। तो क्या पुत्र जवाब दें? तो पहला करें। हाँ साथियों, क्या उत्तर हो गया? उत्तर कौन सा हो गया? सेकंड। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। थैंक यू केसर, आप बैठे प्लीज। नेक्स्ट साथी आए, ये हमारे पवन गुप्ता सर है। पवन गुप्ता सर, आप किस इंडस्ट्री में कब से हैं? 11 साल से। सीएलसी में आप कब से हैं? 2 साल से। 2 साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। आप तो हमारे पवन गुप्ता सर हैं, पिछले 2 साल से हमारे साथ। आप झालावाड़ से हैं? जी बिल्कुल, आप झालावाड़ से हैं, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप फिजिक्स के एक और हमारे मजबूत टीम प्लेयर हैं, प्लीज क्वेश्चन 19 पे आए। देखिए, रेडियोएक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि एक रेडियोएक्टिव की हाफ लाइफ 20 मिनट है और 1/16 भाग तक इसको विघटित होना है, यानी कि 1/16 पे। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। हम बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, 1 CD, 2 CD, 3 CD, 4 CD। 1 CD कितने साल की है? 20 साल। 20 हो गए 80 मिनट, साल जो भी दिया, समय दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बोर्ड खाली कर ले भाई, चले नेक्स्ट निकाले। मैं फिर से कहता हूँ, एक बार थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बच्चे को अपने को, क्योंकि जो बच्चा दूसरे कोड का कमेंट है कि मैं मेरा सर पेपर चेंज। अब यार ये नीट में आया क्या? नीट में आया भाई, नीट का पेपर है क्या? बिल्कुल, ये बोर्ड लेवल सही कर रहा हूँ। अब यार इसको क्या, नौ गुणा तीन बटे दो प्लस तीन दो, इसको ऑप्शन से करें तो 3 से छोटा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है इसमें 3 से छोटा। थैंक यू, आगे चले। अभी एक कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको अपन लिखेंगे 22 × 10^3 10^3 ± 5%। अब ये कलर कोडिंग का कोड होता है बीबी रॉय, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो 2 नंबर पे आता है ब्राउन और 3 नंबर पे आता है आपके पास ये, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4। अब आपकी यहाँ जो पावर है 3 पावर, इसलिए ऑरेंज पावर का पूछा है, तीसरा बैंड क्या हो जाएगा? तीसरा यानी कि पावर आएगी आपकी ऑरेंज नंबर पे, तो आपका सेकेंड आंसर इसका। हाँ दोस्तों, क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड में क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। अब्दुल बोलो सेकंड। चलो बोर्ड साफ करो, आगे चलो 22 पे आओ। 22 में आपको बोला है कि एक सोर्स है, इससे आपने कैपेसिटर जोड़ा हुआ है एसी सोर्स से, तो प्योर कैपेसिटेंस को एसी सोर्स से जोड़ा हुआ है और एसी सोर्स से जोड़ने के बाद ये बोल रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर हम घटाएंगे तो उसकी वजह से जो एक्सी है वो तो बढ़ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। क्या घटा रहा फ्रीक्वेंसी? हाँ, तो एक्सी बढ़ गया, एक्सी बढ़ गया तो मतलब करंट कम हो गया, कम हो गया, सिंपल सी बात है। सेकंड सेकंड टू। थैंक यू। तो ये हमारे पवन गुप्ता सर थे। आए सर, अब हमारे बीच हमारे विनोद सर है, ये भी हमारे स्टूडेंट सीएलसी के। आप कब पढ़े सीएलसी? 6 पढ़े। फिर आप कब से पढ़ा रहे फील्ड में? 2012 से। अभी आप हमारे साथ काम कर 2 साल। देखो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर हमारे चेलों को लगा कि नहीं भाई आप घर में जा पढ़े, उन्हीं के साथ काम करना चाहिए, तो आज एक बहुत प्यारे से हमारी दोस्तों ये है टीम। अभी तो पूरी पूरी हमारी पूरी बारात है चंद्र फिजिक्स के हमारे पास, एक दो छुट्टी पे हमारे आज, उनका परिचय भी कराएंगे। तो ये है टीम। अखबार में कुछ लोगों की फोटो टाइप बांध के छापने से सीनियर फैकल्टी नहीं होती है साहब। मैं बात करना चाहूंगा कि साल 2 साल पहले हमारे यहां जो एफटीपी में काम करते हैं, जिनको एफटीपी के रूप में हमने डिस्क्वालीफाइड कर दिया था, उनको लोग फैकल्टी बढ़ा के बेच रहे हैं। ये तो क्वालिटी सीएलसी की है, क्योंकि कई बार सीएलसी के नाम से चल जाता है। तो ये है डियर मूल क्वालिटी, ये है टीम, इसको बोलते हैं। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुआ है। आप पूरा जब सॉल्यूशन देखें पूरे पेपर का, तब आपको इतने अच्छे प्लेयर दिखाई देंगे कि हाँ ये हैं जो मिलके बच्चों तैयार करते हैं। प्लीज 23 नंबर आइए सर। तो अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 2v, तो एवरेज पूछा अपन से 2v1 / v2 / पूछा क्या? टोटल डिस्टेंस 2x बोल दिया अपन ने,
टोटल टाइम लास्ट फॉर्मूला वाला नहीं आएगा 2v1 गुणा v2 / v1 अरे मेरे को याद है थोड़े 5 साल हो गए 4/3v आ जाएगा वो है ना 2v1 गुणा v2 / v1 ये हमारे क्लास के हमारे मॉड्यूल के ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन है क्या अरे ब्रह्मास्त्र तो वास्तव में ब्रह्मास्त्र साबित हो गया ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन थैंक यू आगे चलें बोर्ड खाली करने पुत्र आए नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल टू रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली तो हमारे पास पूछा क्या अपन को अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एनर्जी जो होती है वो होती है सरफेस टेंशन टी इंटू एरिया तो सोप बबल के लिए जो एरिया होगा 2 × 4π × r² ये हमारा एरिया होगा ड्रॉप होती है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दो साइड तो इसका जो आंसर आएगा वो 3. हां साथियों 24 में क्या आ रहा भाई सेकंड हां साथियों सभी बोर्ड पे ध्यान दें भाई सभी साथी प्लीज सभी बोर्ड पे ध्यान दें चॉइस का आंसर क्या करें सेकंड आंसर करें आपस में साथी बात ही कोई नहीं करे भाई अब 24 हो गया 25 पे हां भाई आरसी सर द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन तो वेंचुरीमीटर जो वर्क करेगा वो किस पे करता है हमारा सीधा है हमारा एनसीईआरटी का हुआ बर्नौली पे काम करता है हमारा तेरह साल से आपका अनुभव है और 8 साल से दोस्तों जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा खड़ा है तो कहने की बात ही नहीं है बच्चों के दिलों में बसा हुआ आदमी होता तभी 8 साल से और इंस्टीट्यूट और टीम और बच्चों के बीच ट्यूनिंग होती है वो लोग जो बच्चों जीते हैं इसलिए 8, 9, 10 साल से काम कर रहे हैं बहुत कम संस्था है सीखने में ऐसी जिनमें 8-10 साल की सीनियर फैकल्टीज काम कर रही हैं प्लीज आए 27 क्वेश्चन में बोर्ड साफ कर ले पुत्र वहां से हाँ हाँ जी क्वेश्चन नंबर 26 हाँ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बॉमर सीरीज इज लैम्डा The shortest wavelength for bracket series is, तो हम जानते हैं कि हमारे पास 1/λ equation जो चलता है, that is equals to rz² ये रहेगा 1/(n1²) - 1/(n2²) जिसके according अपन इस equation को solve करेंगे तो हमारा जो result बनेगा, that will be 4λ for this question. First question, first answer. आगे चलें. Next. ये कौन सा question हो गया पुत्र अपना? 26, 27 का जो. 27. The potential energy of long spring when stretched by 2 cm is U. The same string is stretched by 8 cm, then potential energy stored in it will be. तो यहाँ पर 4 गुना अपन ने यहाँ पर स्ट्रेच एक्स्ट्रा किया है हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जो रही है हाफ के एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर 8, 8, 64, 4 का 16 हाँ तो 4 गुना किया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा 16U 16 गुना हो जाएगा एनर्जी फिट है तो 27 का आंसर नंबर आ जाएगा हमारा थर्ड थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो आप फिर से देख रहे हैं ये बिल्कुल यूथ टीम है 10-10, 8-8, 10 एक्सपीरियंस आपके पास है एक एनर्जी लेवल है आप जानते हैं एक प्लेटफॉर्म पे 8-10 साल से कोई बंदा काम करता है तो मैनेजमेंट के साथ बच्चों के साथ वहाँ के क्लासरूम के साथ वहाँ के कंप्यूटर रूम के साथ वहाँ की हर चीज़ के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है मेरा ऐसा मानना है 1-2 साल तो कोई आदमी इंस्टीट्यूट आता है तो उस बिल्डिंग के साथ उस कैंपस के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है 12 महीने में तो केवल एक कैलेंडर में तो आदमी को लगता है क्लास कहाँ है मतलब ज्ञान तो अपने पास रहता है एक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं पाती है एक क्वेश्चन सर और 28 नंबर होता है फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स एंड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द रिपल्स फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट तो अगर अपन यहां पर देखें तो जो पहला सेक्शन है जिसमें पीएन सेक्शन पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये केवल आपको रिपल्ड डीसी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आउटपुट जो अपना रहता है वो इस तरह से रहेगा रिपल्ड डीसी पर इस रिपल्स को रिमूव करने के लिए जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैपेसिटर कैपेसिटर जो है वो रिपल्स को रिमूव करेगा बिल्कुल पाइप फिल्टर पाइप फिल्टर बिल्कुल तो हमारे याद आ रहा है यार पता नहीं कब जमाने में पढ़ाया था चले आगे तो देखो ये है मैं तो सर पढ़ाई छोड़े 5-6 साल हो गए फिर भी कोरोना के टाइम कुछ गुरुनीति सूट की थी तो निश्चित बात पाई उसको कैपेसिटर रोक देता है कैपेसिटर रिपल्स को रोक देता है और एसी को एसी को पास कर देता है डीसी को कर देता है इसी बात एक क्वेश्चन और बताएं सर आप एक 4 माइक्रोफेरेड माइक्रो हेनरी का इंडक्टर है जिसमें करंट अपने पास 2 एम्पियर है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना रहेगा तो एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड जो रहता है Li² और जिसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो 8 माइक्रोजूल इसका अपना रिजल्ट आएगा 29 का आंसर नंबर रहेगा मेरे सामने साथी बैठे हैं हो सकता है लाइव वालों को नहीं पता हो थर्ड आप मेरे साथ थर्ड आंसर आप मेरे सामने बैठे मैंने ना पेपर सोल्ड किया है ना उस मूड से आया था
इसको बोलते हैं कि आप ढंग से आपकी टीचिंग की हुई होती है ना तो आपके अंदर सामान होता है। इसलिए साथ में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब ईमानदार टीच रहे हो भागवत सर गौर करना इस बात पे, ना तो पेपर सोल्ड किया मैंने ना आपके पास बैठा था, बस ऐसे पेपर देखा था एक क्वेश्चन मुझे बेकार लगा वो एरर वाला, मैंने कहा छुरी का मामला है और ये क्वेश्चन अपने आप याद आ रहे। बच्चों आपको भी करना चाहता हूँ, यदि ढंग से आप 11th 12th या एक टारगेट में तैयारी कर लेते हो तो ड्रॉप ड्रॉप करने की जरूरत कहीं पड़ती नहीं है। ओके थैंक यू दोस्तों सर, आए अगले साथी आए आप हमारे महावीर राठौड़ सर, पाली से आप? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर पाली, हाँ वो जोधपुर के बाद एक ही मानते हैं पूरा अभी तो। अभी हमारे आप भी सर लंबे समय से तीन साल से प्लीज आए हमारे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो ओवर अ सरफेस, तो इसका मतलब जो जितना मतलब टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो है, मतलब जितनी लाइंस जो है सीधा ये तो है कि भाई जितनी लाइन कोई भी एक सरफेस है अब उससे इससे जो निकल रहा है इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब जितनी फील्ड लाइन आ रही होगी उतनी निकल रही होगी, जाने वाला तो सीधा जो है। हाँ भाई दोस्तों चार से कर दे, अभी ध्यान रखे अभी टिक गलत कर जाए हमारे से, हम थोड़े कैमरे के सामने आते हैं आदमी जोश और प्रेशर में आज जाए जोश में थोड़े से, कि बाहर नंबर जो जुड़ रहे हैं बच्चों के बहुत अच्छे वाले जुड़ रहे हैं। हाँ भाई 31 पे है, 31 में कि एक फुटबॉल प्लेयर है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इधर साउथ में, फिर ये कि वो किसी से रुकने के लिए फिर वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बोला इन्होंने ये पूछा कि फोर्स जो है उस पर किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बस हम सीधा बोलते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये डायरेक्शन के साथ लिख देंगे yes। तो ये वी फाइनल वाली तो वही रहेगी अपनी ईस्ट डायरेक्शन ही रहेगी ये तो sure। अब यहाँ पर वी इनिशियल वाली तो ये नीचे था, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा अपना बिल्कुल, साउथ वाला। हाँ भाई सेकंड से कर दें, चले सर आगे चले अगले पे आ जाए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें बोला कि लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग एंड स्ट्रेस्ड बाई ए वेट डब्ल्यू अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस पूछा है, तो अब ये कोई वायर है जिसका एरिया ए है और कुछ लटका दिया इससे डब्ल्यू वेट का, तो वही स्ट्रेस का सीधा फॉर्मूला होता है एफ बाई ए लॉन्गिट्यूड, तो ये एफ कितना हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर और ये ए, सीधा सीधा फॉर्मूला सीधा सिंपल। थैंक यू वायर सर, अब हम सभी साथियों से एक एक क्वेश्चन कराएंगे नहीं तो हमारे सभी साथियों का नंबर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट साथी हमारे रितेश जांगड़ी, हमारे पुराने भाई ने भाई इज माई फ्रेंड, हम बहुत पुराने मित्र हैं और अब मेरे साथ आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और एक बहुत ही मेच्योर और एक सुलझे टीचर है फिजिक्स के, आप झुंझुनू में एक लंबे समय काम किया, फिर मैंने कहा भाई तू मेरे साथ आ जा मुझे तेरी जरूरत है, तो आप मेरे साथ अब है रितेश सर प्लीज। 33वां क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज, तो अपन जानते हैं कि एक तरह से जो है ये एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, अलोंग द एक्सिस देते हैं अपन, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा थर्ड। हाँ भाई दोस्तों फिट okay। है एक क्वेश्चन बोर्ड साफ कर ले चले। हाँ अगले वाले हैं भाई, अगला बुक चुना जाएगा अगला ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपने को दे रखी है 48 वोल्ट पर मीटर 48 वोल्ट पर मीटर और अपने को मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो अपने को पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सी इक्वल टू होता है ई अपॉन बी के इक्वल, तो अपनी बी की जो वैल्यू आएगी वो ई अपॉन सी, और जब अपन ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे 48 और 3 इंटू 10 की पावर 8 तो ये अपने पास आएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8 या आप इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो अपना आंसर इसके अंदर दोस्तों सेकंड बड़े साथी भाई 34 को सही कर दूं। थैंक यू आए सर, ओके सर थैंक यू सर आए। अगले साथी आए हमारे सुधांशु जी, यस सर आप बिल्कुल देखो यूथ लड़के बिल्कुल, आप आपकी आप शुरू कब क्या पढ़ाना? तो मैं 2013 से पढ़ा, छोटे पढ़ा रहे हो और सीएलसी में पिछले 1 ईयर से हो गया, कोरोना के बाद जुड़े बहुत अच्छे प्लेयर जुड़े हमारे साथ नए आए प्लीज बेटा 35 क्वेश्चन करें। 35 क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडी ऑफ मास एम एंड 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडी वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीरो, तो जब आप यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीरो है तो मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। समझने के लिए दो बॉडी है अपने पास, एक m मास की है और एक 9m मास की बॉडी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है कैपिटल r, ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि कोई बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो उसको अपन निकाल लेंगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी, और जैसे डिस्टेंस आएगी अपने पास पोटेंशियल लिखना है तो अपन पोटेंशियल जानते हैं माइनस जी एम बाई आर, उससे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सेकंड। थैंक यू सर बिल्कुल आप बैठे, तो ऐसे अब देखो हम अब हमारे साथ ही ऐसे तो 50 क्वेश्चन हमारे सब नंबर नहीं आएगा, तो एक साथ ही एक क्वेश्चन प्रदीप चाउंड सर आएंगे, आए प्रदीप चाउंड सर, ये बोर्ड साफ हो गया अगला क्वेश्चन निकाले भाई।
अब आप क्वेश्चन 35 हो गए जो करने मस्ट होते हैं, अब 15 क्वेश्चन है जो 10 ही के अपने तो करने पड़ेंगे। चल आए भाई। सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तीन लेंस यहाँ पे होंगे आपके पास, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। लेंस फॉर्मूला में जानते हैं, 1/f = होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इनटू 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये फॉर्मूला जो है अपने को तीनों इसके लेंसेज के लिए लगाना होगा। ठीक है, इन दोनों का तो फोकल लेंथ सेम ही आएगा क्योंकि इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों साइड से वो सेम आ रहा है, इसका फोकल लेंथ अलग आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो उसको जोड़ने पर जो अपना आंसर आएगा दैट इज -100 cm। थैंक यू। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? सर मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। सीएलसी कब से आप? सीएलसी में पिछले एक साल, पिछले एक साल से। ये वो साथी हैं जो कोरोना के बाद हमारे साथ जुड़े, कोरोना में लगा कि एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सीएलसी है। आए सर, थैंक यू, बैठे। नेक्स्ट है महेश जी, आप आए। आप हमारे महेश जी, महेश जी आप कब से पढ़ा रहे हो? 22 साल से पढ़ा रहे हो अभी। सीएलसी कब से हो आप? पिछले एक साल से। ये साथी वो लोग हैं जो एक साल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे दो साथी पुराने प्लेयर आज छुट्टी पे हैं, हमारे दीपक भोला सर छुट्टी पे हैं, प्रमोद ढाका छुट्टी पे हैं। प्रमोद ढाका सर घर बन रहा तो आज उनके वो छत पर काम था इसलिए वो छुट्टी पे, ऐसा वो अभी सकते हैं मेरे लाइव में। और दीपक भोला सर आज किसी काम से कोटा निकल गए, कोटा के रहने वाले हैं। दो साथी हमारे और सर छुट्टी कोटा पड़ा, दो साथी हमारे छुट्टी पे ही, हमारी बहुत लंबी टीम है। हाँ प्लीज आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स द स्टेशनरी। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू म्यू इनटू जी, म्यू दिया हुआ है हमें 0.15 एंड जी इज गिवन आल्सो 10, सो राइट आंसर 1.5। ओके, द ऑप्शन विल बी सेकंड। थैंक यू। मुझे अब तक नहीं पहले समझ आया कि वास्तव में क्या आप नीट का पेपर सोल्व कर रहे हैं क्या? ए इक्वल टू म्यू जी, सही आंसर बिल्कुल। तो आपका आंसर दोनों है। थैंक यू सर, बैठे। नेक्स्ट साथी आए, ये हमारे भूकर सर है, अशोक भूकर सर है, जो बिल्कुल पिछले कब से पढ़ा रहे हो इंडस्ट्री में? मैं 2015 से पढ़ा रहे, अभी आप दो साल से सीएलसी साहब से। हाँ भूकर बेटा आप आए, इस पे आ जाए। बॉस क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ विद टाइम पीरियड टी, इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो आपको यहां देखना है, देखो 3π तो ये तो कॉन्स्टेंट है, 1/gd, तो 1/gd, तो 1/g, जी की आप यूनिट रख लीजिए, जी की आएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और डी की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गए, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, फिर से कहा मैंने, पूरा सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी बच्चे की इच्छा क्या भाई कि मेरे को कैसे भी करके की मिल जाए, और हम भी चाहते हैं बच्चों की की मिल जाए, क्योंकि 8 तो बच गए हैं, अब फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी आएगा। थैंक यू सर बुकर सर। नेक्स्ट साथी हमारे हैं, शर्मा जी आप कब से पढ़ा रहे हो इंडस्ट्री में? 15 साल से, और पिछले 3-4 साल हो गए सीएलसी आपको। सीएलसी, थैंक यू। तो आप क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू -ω² y, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी a sin ओमेगा टी, क्योंकि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और ओमेगा की वैल्यू होगी 2π/T इंटू टी। Yes. तो यहाँ टाइम पीरियड है 8 सेकंड। टाइम पीरियड से साफ है, देखो घटना यहाँ से स्टार्ट हुई, घटना पूरी हुई, 8 सेकंड आपका टाइम पीरियड हो गया। मैं हेल्प कर दूं आपकी, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 2π, 4π² इसको ऐसे करते हैं आपको, तो 4π² / T² एम्पलीट्यूड 1 हो गया, और साइन में आ जाते हैं, साइन 2π² आ जाएगा, ये 8 का टी का मान क्या है 8, और टाइम का मान क्या है 2, ठीक है ना? तो ये 2, 4, 2, ये साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया। ये और टाइम पीरियड 8 है, तो इसको मैं 64 कर दूं, तो ये 64 हो गया, थर्ड ऑप्शन, इसको काट देते हैं अपन, तो कितना बच गए 16, उत्तर क्या आ गया π² / 16। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस पहले से पढ़ा है ना डायरेक्ट। थैंक यू सर, बैठे सर शर्मा जी। तो ये दोस्तों 39 में क्वेश्चन था। नेक्स्ट साथी हमारे आएंगे एस आर चौधरी सर हमारे आएंगे, लॉजिक गेट पे आप आएंगे। लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। जी, यहाँ पे अपन को एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, इसमें देखो ध्यान से, तो ये अपना क्या है, नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार। इसका फिर अपने पास कौन सा गेट दिया हुआ है,
नन गेट दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार का बार, तो जो अपना आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, यानी अपना क्या गेट बन गया, और गेट बन गया। और गेट का आंसर कौन सा हो गया इसमें, और गेट पे आंसर हो गया अपना फर्स्ट। हाँ भाई क्या दोस्तों, बिल्कुल देखो बड़ा सिंपल सा है, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गेट अपना डिफाइन है, गेट डिफाइन, इसका आउटपुट आ गया, फिर एक फॉर्मूला है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और ये आपके सामने आंसर आ गया। थैंक यू सर, बैठे। नेक्स्ट साथी इधर से है, साथी इधर से है, साथी नेक्स्ट साथी आए हमारे। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में? सर 12 साल हो गए। अब सीएलसी कब से हैं? इसी साल हमारे साथ। देखो हमेशा नए लोग और जुड़ते रहते हैं हमारे साथ, ये नेक्स्ट ईयर की अगली हमारी तपोस्त्री की बिल्डिंग में पढ़ाने वाली पूरी एक परफेक्ट टीम और चाहिए हमें, और ज्यादा टीम चाहिए, इसलिए कुछ नए लोग और जुड़ जाए। हाँ सर 41 पे आए। क्वेश्चन में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। तो इसमें सिंपली ये ब्रिज है कोई, सपोज इसकी हाइट कंसिडर कर लेते हैं h, यहाँ से इसको 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपन ने थ्रो कर दिया, तो ये जाके रुकेगा, रेस्ट में आएगा और वापस यहाँ पहुँचेगा, तो इसकी वेलोसिटी वापस से 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये हमें हाइट फाइंड करनी है, तो सिंपली इसके लिए यूज़ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि -h = u into t -1/2 gt² इससे सॉल्व करेंगे तो -h = u की वैल्यू 4। थोड़ा सा सर पेन को पर सही काम ले, माइनस अपना सीधा कर देना, इसको h को प्लस करके u कर दो ना, माइनस करके ये सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। ओके सर, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। और सर आप बिल्कुल ही नहीं भूले फिजिक्स तो। हां सर भूलना सवाल ही नहीं है। -16 और ये आ जाएगा +80 और 64 आ जाएगा इसका आंसर, 64 आंसर हो जाएगा, ये 2 करेक्ट आंसर है इसका। ये बिल्कुल एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, क्योंकि समय भी 4 सेकंड है और यू भी 4 है, इससे 16 हो गया। ये कॉमन सेंस की बात है, अपन रेफरेंस लेते हैं, देखो ऐसे आता है ना तो रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस को यदि ऊपर की तरफ लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे ले तो पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सर, आई प्लीज। तो हमारे अगले साथी आए। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। कब जुड़े आप? 2 महीने हो गए अभी। आप इस सेशन के नए अपॉइंटमेंट साथी हमारे, नए हमारी टीम मेंबर आए बेटा, पता है आप? देखो इसके अंदर क्या है, दो लेंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, और अपने जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की क्या होती है, आपके नेगेटिव होती है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर अपने क्या निकालते हैं, टोटल पावर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल पावर की अगर अपने बात करें तो 1/p - f ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए फोकल लेंथ हुई, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपके पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो टोटल पावर जो आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी 0। अगर अपने टोटल फोकल लेंथ की बात करें तो 1/ टोटल पावर, यानी कि टोटल पावर आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल पावर 0 हो गया और टोटल फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 1/0, यानी कि क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट जो है आएगा। थैंक यू सर। अब अगले कुछ क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं हमारे कुछ साथ से करो, उसके पहले बचे साथ आपका मैं फिर परिचय कर देता हूं। आप आए सर, आपका नाम बताएं। रित शेखावत नाम है। रित शेखावत है, आप अभी जुड़े हमारे साथ? बिल्कुल अभी जुड़े, अभी हमारे साथ नए साथ जुड़े हैं, तो बिल्कुल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी आप नई टीम में बने। थैंक यू सर, अगले साथ कराते हैं परिचय, आ जाए। सर आपका नाम बताएं। नंदराम जी आप कहाँ से हो? सर मैं कुछ कब से पढ़ा रहे हो आप इस इंडस्ट्री में? अब हमारे साथ जुड़े हैं अभी। थैंक यू। तो ये हमारे नए साथी हैं, इन थैंक यू। तो ये हमारी पूरी टीम का परिचय था, हमारे दीपक भोला सर और हमारे प्रमोद ढाका से छुट्टी पे हैं, बचाऊंगा कि वापस जहाँ से शुरुआत हुई। प्रमोद पवन गुप्ता सर आप आए, अगले क्वेश्चन पे आप फिर डिस्कस करें, 43 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाएं, स्टार्ट हो जाएं। आपको यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, उस वायर में आपको एल लेंथ दिया हुआ है जो कि आई एक्स एक्सिस कह लोगे, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे एल वेक्टर आई की डायरेक्शन, ये आई आ जाएगा, एल आ जाएगा आपके पास एल आई केप, और बी का क्रॉस में आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 2i + 3j - 4k। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5il। यस सर, क्रॉस पार्ट की वैल्यू बतानी है आप कौन कौन सा उत्तर? सेकंड ऑप्शन, सेकंड। हाँ भाई साथियों सही है, सेकंड ऑप्शन। तो ये 43 का हो गया। चलो एक बार सभी साथी करें, मैं फिर से लाइव माना चाहेंगे, आए केसर दोबारा से आए, चलो केसर हमारे बीच आए, आप कुछ निकाले बेटा। सब लोग बड़े आज साथी बड़े उत्साह में हैं, पेपर बहुत अच्छा है, ये पूरा साल आप मेहनत करते हैं, पूरा पेपर आपका पढ़ाया सर, एक भी क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया नहीं हमारा, क्यों भाई? और सर टेस्ट टू में चाहे हमारे हमारे इको फिजिक्स से मान लो, चाहे हमारे ब्रह्मास्त्र से मान लो, पेपर कहीं वहीं घूम के आया। प्लीज 44
क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बुलेट जो है गन से फायर किया और एक ब्लॉक से पास होने पर उसकी शुरुआत में वेलोसिटी यू थी और 24 सेंटीमीटर क्रॉस करने पर वेलोसिटी उसकी हो गई u/3। तो ये बोला हुआ है कि ब्लॉक को और लास्ट में ये बोला रखा है कि जब ब्लॉक को क्रॉस कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो रही है सर। तो ये पूछ रहा है कि ब्लॉक कितने विड्थ का है ये पूछा हुआ है। तो सीधा सा अपन लिख सकते हैं कि v² = u² + 2s लगा रहे हैं। यस सर। तो शुरुआत में वेलोसिटी हो गई थी 1/3 सर और शुरुआत की वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन कुछ भी a मान लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करके 24। यस। फिर आगे पूछा हुआ है माइनस करना पड़ेगा इसको। अब तो अपन माइनस में ले लेंगे इसकी वैल्यू, माइनस लेके चल लेंगे। अब दूसरी बार क्या बोला, पूरी डिस्टेंस के लिए फिर शुरुआत से लास्ट ही लगा देते हैं इक्वेशन, तो लास्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा इसको ऐसे दो पार्ट कर ले। हाँ, यहाँ यू था और यहाँ u/3 हो गया और यहाँ आपका जीरो हो गया। तो अपन यहाँ से सीधा लास्ट तक भी लगा देंगे ताकि टोटल ही आ जाएगा एक साथ, हो जाएगा सही बात। तो ये हो गया u² + सेम वही एक्सेलरेशन, क्योंकि कभी भी एक्सेलरेशन अलग लगे नहीं होता, नहीं होता। और अलग होगा एक्सेलरेशन तो फिर गति के समीकरण शर्त ही क्या है, सेम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 27 सेंटीमीटर इसकी टोटल विड्थ आ जाएगी। थैंक यू सर, आए सुखदेव सर आप आए। तो दोस्तों ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। तो आए अब 45 पे आ रहे हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपन जानते हैं कि डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है, अपने पास आर नॉट एल्फा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एल्फा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी आ गया। सबकी वैल्यू अपने पास है, इन सब की वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 3 × 10⁻²। बड़ा है ना, सिंपल सीधा उठायर फायर, उठायर फायर है। क्वेश्चन नंबर 44 45। हाँ दोस्तों, किस पे टिक मारे, दो पे टिक मार देंगे भाई, दो पे। हाँ बच्चों, क्या चल रहा है भाई, सॉल्यूशन देख रहे हो, सिक्स चल रहा है भाई, हम F6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन पढ़ा एक पेपर से होता है, तू तेरे क्वेश्चन आगे पीछे पलट ले यार, पेपर तू देख के आया है ना, तो याद कुछ तो हो रहा होगा। थैंक यू। अगले साथी हमारे विनोद सर है, बोर्ड खाली कर रहे हैं। हाँ, आ जाए। ये सवाल है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल जो चार्ज के कारण से होता है जनरली, वो होता है v = kq/, जब इसके कारण से देखेंगे तो माइनस का kq/ डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर माइनस प्लस kq/2 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस ये, जब इसमें इसको हम लोग सोल्व करेंगे, मतलब 6 से 8 हो गई है। इसको 10^2 में सो करना है, इसमें कहा गया है ये इस वोल्ट में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10^2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/8। हां भाई दोस्तों, 3/8 आंसर फोर्थ आ रहा क्या फिजिक्स वाले साथी। चलो थैंक यू सर, अगले साथ आए दासा जी, फिर आओ। 47 क्वेश्चन नेक्स्ट 47 ये है, 10 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अपन जानते हैं कि अगर अपने पास सीरीज में 10 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो आर सीरीज विल बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा। यस, ठीक है। और अभी जो अगर अपने पास करंट है तो आई सीरीज अगर मैं बोल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन कितना हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा। सही है, ठीक है। अभी उन्हीं को अपन ने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में कनेक्ट होने पर आर पैरेलल हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और अब अपने को पूछा हुआ कि अब करंट क्या हो जाएगी, तो आई पैरेलल अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 100 गुना बढ़ा दे, 100 गुना, बिल्कुल 100 गुना बढ़ा दे, n स्क्वायर टाइम बढ़ा दे 10 गुना 100,000 आंसर आ गया। सर नहीं नहीं 100 आंसर हो गया। अच्छा वो पहले कितना था, e था, 100 टाइम पूछा के लेने भाई, सीधी बात है, n r होता हो r / n स्क्वायर टाइम बढ़ गया, n स्क्वायर टाइम बढ़ गया, करंट सेम रखनी है तो आपको सप्लाई 100 टाइम बढ़ानी होगी। थैंक यू सर, आए सर, किशोर सर आए, 48 में आ जाए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये वेरी लॉन्ग कंडक्टर वायर इज बेंट, तो कृष्ण आप दिख रहा है, वैसे देखो ये वायर तरह का स्टेट, उसको बेंट कर रखा है, फिर इसको ऐसे कर रखा है, और यहां पॉइंट P पे आपको निकालना है नेट फील्ड कितना होगा, किसके कारण, पूरे का निकालना है, पूरे का, ठीक है। यहाँ इसका पी पर निकालेंगे तो ये तो मुंह के सामने है, तो मुंह के सामने μ0i/4π होता है, जहां तक याद है मेरे को, बिल्कुल। चल बड़ा, तो इस पॉइंट पे जैसे मान लो इसको फर्स्ट कर दें, इसको ओपन कर दें, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, यस, तो ये दो जो है इनका तो सेम डायरेक्शन में होगा, इसका अपोजिट होगा, तो इनका जो अपन ज्ञात करेंगे तो है डाउनवर्ड, खत्म हो गया ना, यस यस, ये तो खत्म हो गया दोनों का, इनका तो यस, इसके कारण नहीं, दोनों सेम, इन दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा, एक मिनट हाँ, ये डाउनवर्ड, सॉरी सेम हो गया, सेम हो गया, तो पी पेपर निकाल, मैं जोड़ दूं तो क्या, आप मैं उत्तर कर दूं, μ0i/2πr, यस, 4 आधा 2πr, और ये तेरा ये किधर आ गया, जस्ट डबल हो जाएगा इसका, ये हो गया, सेम हो गया, बस सेम हो गया, और ये ऊपर क्यों आएगा, इसका अपन निकालेंगे तो ये आएगा माइनस -μ0i/4r, बस
ओवरऑल किधर जाएगा? ये नेट इसका होगा इफेक्टिव इसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये हो गया आपका अपवर्ड, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा भाई। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, येलो, सेकंड, येलो जी। सिंपल है, एक बार तो डिस्कस कर ले, इस वायर के कारण मुंह के किनारे पे तो म्यूज वाई बटे 4R, म्यूज वाई बटे 4R, ये हेमी सर्किल है, म्यूज वाई बटे 4R, वहां पाई था या 4R आ गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड। चले नेक्स्ट साथी आ जाए, हमारे राठौड़ साहब आ जाए 49 में। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि इनर ऑर्बिट दे रखी है, मोस्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट दे रखी है 5.3 × 10⁻¹¹ तो 9.45 वाला कुछ 4.7 आदमी जन्मता है तो पंडित की जरूरत, और अंतिम भी राम नाम सत्य भी पंडित के साथ ही होता है, तो पहले शुरुआत भी आपसे आए, दोनों भाई मिलकर करा दो इसको। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एसी का दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें जेड पूछा है, जेड के लिए हम रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नेट देखेंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर करेंगे, एक्स सी की वैल्यू अपन रखेंगे तो 1/2 πf × c और एक्स एल ये पलक 2πf × बट गुणा भाग पहले पर करिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा सिंपल बात है, देखो जेड है तो आर स्क्वायर एक्स, तो एक्स एल निकालना एक्स सी निकालना, फर्स्ट बार एकमात्र क्वेश्चन में गुणा भाग करनी पड़ रही है, कौन सा आंसर आएगा? सेकंड आंसर हो गया, जो बोर्ड साफ कर देते हैं, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है डियर, तो एक बार ये हमारे सारे साथियों से आपका परिचय हुआ, दो साथी हमारे एब्सेंट हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे साथियों के लिए। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए, हम F6 का सब साथी हो गए, F6 का अब साथी फिजिक्स वाले अपने अगले जो कोड है बाहर बच्चे हैं उनसे डिस्कस करके वहां जोड़े और अच्छी अच्छी खबरें मेरे पास भिजवाएं बाहर साइज। अब केमिस्ट्री में बात शुरू करते हैं, आए प्लीज। अब केमिस्ट्री का दोस्तों स्टार्ट होता है 16 दिन, साथी फिजिक्स के अपना बाहर दूसरे काम में लगेंगे। केमिस्ट्री में चले भाई, निकालें केमिस्ट्री की पीपीटी निकाली जाए, हमारे श्री राम जी ने मेल कर दी है वहां से पीपीटी केमिस्ट्री की, और वो भी वही कहानी, यहां भी हम शुरुआत केमिस्ट्री की पीपीटी हमारी चल रही है, स्टार्ट करें भाई। तो दोस्तों ये हमारा बोला केमिस्ट्री की पीपीटी दे के आए, वहां जाके पीपीटी के लिए जाके दोस्तों ये आपका लाइव सेशन चल रहा है, नीट 2023 का पेपर का चल रहा है लाइव सॉल्यूशन, सीएलसी सीकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सीकर संदेश के फेसबुक पेज पे, बॉल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पे। हमारे साथियों ने कहा कि सर हम भी चाहेंगे, हमारे साथियों ने कहा कि हम भी चाहेंगे कि ये बच्चों का जो सॉल्यूशन है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो डियर ये आपकी सीएलसी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, पेपर बहुत अच्छा है, फिजिक्स का पेपर बहुत नॉर्मल सा कह सकते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा लास्ट से हल्का सा कॉम्प्लिकेट आया है, दो क्वेश्चन केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक के जो कहीं उलझा रहे हैं बच्चों को, और बायो तो हर साल वैसे ही आता है। तो दोस्तों पेपर अब हमारे सामने आ गया पीपीटी, तो बिल्कुल अब शुरुआत करी जाए, क्वेश्चन खोला जाए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों साथी रहेंगे, तो सभी साथी जिसका जो पार्ट होगा वही पुराने साथी अपने हिसाब से आए सर। तो मैं सबसे परिचय कराऊं, आप आरसी सर हैं, सर कितना से पढ़ा रहे हैं? 14 साल से। 13 साल से। आप सीएलसी में, मैंने फिर से कहा ये टीम सीएलसी है, 12-12, 10-10 साल से दोस्तों कुछ साथी जो काम करते हैं, मैंने हमेशा कहा कि 2-3 साल तो आदमी को उस इंस्टीट्यूट की क्लास से, वहां की बिल्डिंग से, वहां के वातावरण से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती थी, वाकई टीचिंग आपको करनी है। तो देखिए आरसी सर हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के बहुत अच्छे पार्ट है, अब आईटी मेडिकल दोनों में पैरेलल खेलते हैं, और बिल्कुल कोछोर गांव है, सीकर के पास ही है, आप एक बहुत अच्छे, आपके फादर मेरे तरह गुरु भक्त आदमी हैं, आपके घर गया था, एक अच्छे वातावरण में आप जिंदगी जीते हैं अपनी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं आपके, एक भैया भाई सीए हैं, एक भाई क्या करते हैं तीसरे, वो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, पूरा एक अच्छा परिवार परिवार है। आज से हमारे साथ हैं, आज से स्टार्ट किया जाए जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एस ब्लॉक से है, इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव ए डीप ब्लू सॉल्यूशन विच ए पैरामैग्नेटिक, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, पैरामैग्नेटिक में होता है, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, नहीं एमाइड उसका रीजन नहीं होता है ना, अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन है वो रीजन होता है, तो ए इसका स्टेटमेंट सही है, आर स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इस बेस पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकंड इज करेक्ट आंसर हो गया। चलो बोर्ड साफ कर लें, प्रश्न से प्रश्न इससे आए 52 कौन सा पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, तीन साथ माइक साथ रखे हुए यहाँ, क्योंकि इसमें ये ऐसे
ये वो है तो एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर बदल होता है ना, तो फील्डिंग को बार बार चेंज। आप नदीम सर हैं, आप लखनऊ के नवाब हैं, लखनऊ से आप हैं, मैं अयोध्या गया था तब लखनऊ मैंने भी देखा था। नदीम साहब कब से पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री में? करीब 12 साल हो गए। अभी सेल्स कब से आप? सीएलसी में 6 साल चल रहा है। 6 साल हो गए आपको यार, कल किसी बात की बहुत ही ऑर्गेनिक बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर हमारे हैं, आप बहुत अच्छे से यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक बहुत ही पारिवारिक वातावरण काम करते हैं। आए प्लीज नदीम सर। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ के सी एल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडक्टिविटी दिया है इसका मतलब के दिया हुआ है एंड के इक्वल टू होता है 1 बाई रो इंटू एल बाई ए। अब आप देखो आप इसको रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 60 के भी दिया हुआ है 0.02110 इक्वल टू 1 बाई ये कितना हो गया 60 इंटू एल बाई ए। आपसे एल बाई ए पूछा हुआ है सेल कॉन्स्टेंट, इसका यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे अपन आंसर सीधा आंसर करेगा। सभी सामने बैठे साथी की चेक करते रहे भाई, कोई गलत टिक नहीं लग जाए, सेकंड टिक मार दे भाई जी। सभी साथियों चलो थैंक यू सर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 53। ये किसका पार्ट है? फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। आप हमारे ऑफिस आंसर हैं, सीएलसी पढ़े आप तो बोर्ड पर, आप कब से पढ़ा रहे हैं? 2014 से और तब सीएलसी में है। हाँ। मैंने कहा ना 10-10, 12-12 साल एक डिकेड के दशक साथी खेल रहे हैं। प्लीज आए ऑफिस आंसर। हाँ तो ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक से, आपको रेयर दे रखी है और जो ए की कंसंट्रेशन है उसको ट्रिपल किया है और बी की कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंट किया, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन को आपको ट्रिपल करना, तो 3A का स्क्वायर और बी की कंसंट्रेशन को क्या करना है कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो रहा है, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगा। आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया सेकंड हो रहा है, सेकंड लॉग के गुणक के द्वारा बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, घट जाएगा। ओके रुको अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा क्वेश्चन है किसका है? क्वेश्चन नंबर 54 पे आए हैं जगदीश जी, क्वेश्चन 53 देख लिया हमने, ऑर्गेनिक से आए आप हमारे बहुत लाडले बेटे अभिषेक मिश्रा, आप देवरिया से हैं, गोरखपुर के पास हैं, आपके फादर रिटायर हो गए एसएसपी के किस पोस्ट पे थे? डीवाईएसपी के पोस्ट रिटायर हुए, एक बहुत अच्छे नेपाल बॉर्डर आपके पास ही पड़ता है, आप देवरिया लखनऊ वहां के एक अच्छे से टीम, इतनी दूर से दोस्तों, साल कितने हो गए आपको सीएलसी में? 12 साल से, आप सोचो कितनी दूर से कोई व्यक्ति एक अनजान शहर में आके 12 साल इस संस्था जुड़ते हैं तो पारिवारिक वातावरण अपने आप शो करता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परफेक्ट प्लेयर है। प्लीज अभिषेक आइए बेटा। इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन है तो CO किसमें चेंज कर देंगे? CH2 में, तो CO को CH2 में चेंज करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन निकाले, बोर्ड साफ कर ले, बोर्ड साफ कर ले, ब्रश ब्रश से। हां अगला किसका है पार्ट? आ जाओ फिजिकल आ जाओ, मैं बिल्कुल मेरे हाथ में चाय भी आ गई कि मैं तो पूरा। आप हैं दिनेश धारी सर, आप इस विषय कब से पढ़ा रहे हैं? टू ईयर से इंडस्ट्री में 15 ईयर 15 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर इनको लगा कि नहीं अब हमें एक अच्छे से पारिवारिक माहौल में काम करना है, तो आप मेरे साथ हैं, आपका पार्ट फिजिकल भी और ऑर्गेनिक भी, आप IT मेडिकल दोनों के प्लेयर हैं, तो प्लीज आप यहाँ भीम सर गांव आपका सुहांगड़ के पास आपका बनवारी दादा हमारे साथ पढ़ाओ आपके काम आए प्लीज 55 नंबर क्वेश्चन में। Which one is an example of the heterogeneous catalysis? Surface chemistry से related questions है, जिसमें hydrolysis of the sugar catalyzed by the H+ ion homogeneous catalysis का example होता है। Next, decomposition of the ozone in presence of the nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide भी gas है, ozone भी gas है, homogeneous catalysis का example होता है। Combination between the dinitrogen and the dihydrogen form ammonia in the finely divided iron. ये वाला जो examples है heterogeneous catalysis का example है, तो इसमें पूछा है heterogeneous catalysis का example कौन सा है, तो कौन सा answer हो जाएगा? Third answer हो जाएगा। तो भाई बच्चों अपने paper को check करते रहे, हम लोग सोल्व कर रहे हैं F6 का, आप लोग अपने पेपर को आगे पीछे हम तो रुके से करवा रहे हैं कि चॉइस बोर्ड बता रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के लोग लाइव को देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो आपको समय मिल जाए क्वेश्चन को आगे पीछे स्वीप करने में। आप उतर एक बार बोर्ड को साफ करें, फिर टिक मारो, कौन सा टिक मारे? थर्ड पे महीन चूर्णित आयरन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन के बीच संयोजन, तो बोर्ड साफ कर ले। अगला क्वेश्चन निकाले 56, ये किसका है, कौन सा पार्ट है? इनऑर्गेनिक। किसका पार्ट है? फिजिकल का पार्ट। ये पार्ट फिजिकल का है, आप आए। ये हमारे हनुमान सर हैं, हनुमान सर कब से पढ़ा रहे हो आप? मेरे को 8 साल हो गए। यहाँ कब से हो? 5 साल हो गए। 5 साल से मेरे साथ हैं, एक बहुत टीम के बहुत ही वो व्यक्ति जो समय समय पर सुझाव सलाह संस्था देते रहते हैं बच्चों के साथ, बिल्कुल बाकी साथियों की तरह ना फिजिकल पार्ट आउट लेते मेडिकल में, पाली के आप रहने वाले प्रॉपर। ठीक बेटा आए प्लीज, इस बार तो मैं बता दूं आपको पाली जालोर जोधपुर बेल्ट का रिजल्ट आएगा ना, तो बड़ा सा सेल्स हंगामा रहेगा उसमें। Please. अब इसमें बेसिकली जो है वो ये क्वेश्चन पी ब्लॉक और सॉल्यूशन दोनों से कनेक्टेड है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट वही है क्या जो गड़बड़ कर रहा है? हाँ,
इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस, ये सही है। एक्चुअल में ऑक्सीजन को जो है वो डाइल्यूट किया जाता है हीलियम से कि जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाए, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं वो एक जो कंफ्यूज वो इसी में कंफ्यूज नहीं, इसमें कंफ्यूजन वो अलग है। हाँ। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ओके एक क्वेश्चन आएगा ना जो बच्चों को भी डरा रहा है, हम लोग बैठे तो थोड़ा कहीं। तो दोस्तों ये आपका कथन कार्ड, इस पर कथन कार्ड पे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना। हाँ। सिंपल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन में है कंट्रोल है, दो में दो क्वेश्चन वो केमिस्ट्री में है। आंसर क्या करना चाहेंगे आप अभिषेक मिश्रा सर, पुराने सर भाई क्या कह रहे हो, ऑर्गेनिक में कंफ्यूजन कोई नहीं है, एक है एक ऑर्गेनिक पर एक इनऑर्गेनिक पर, फिजिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन मतलब ट्विस्ट नहीं है, हार्ड होना अलग चीज है, ट्विस्ट अलग चीज है। ओके डियर, तो सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, आगे चले 57 हो गया 50। ये किसका है, इनऑर्गेनिक है, आ जाओ। अच्छा इनऑर्गेनिक है, आए साथी दयाल जी। और ये हमारे लाडले लाडले चेले, कब से पढ़ा रहा है मित्र? 5 साल हो गए, 5 शेष को बता दूं, मैं था 8 के बैच में, 8 के बैच में था, फिर उसको लगा कि चलो मेन सब्जेक्ट तैयार किया, फिर हमारे कंधे से कंधा मिलाया रहा, बिल्कुल कोरोना के टाइम ये लोगों ने बहुत परफेक्टली वर्क किया और आज ये बिल्कुल अपने इनऑर्गेनिक का एक शानदार मेरी टीम का प्लेयर है। आए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की अपने को बात की, उसमें 8 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। बात AlCl3 की करें, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, BCl2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, CCl4 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 8 हो जाएंगे। उसके बाद में बात कर रहे हैं PCl5, तो PCl5 के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बन रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे 10। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल हो गए जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं आपके, 2 मॉलिक्यूल। हाँ दोस्तों, तो 57 में क्या करें, फर्स्ट टिक मार देगा, फोर्थ आंसर 3 वे इसमें, इसमें मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है। अच्छा 8 नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं घबराहट है ना, इसलिए बच्चों एग्जाम एग्जाम होती है ना, इसलिए एग्जाम में घबराए नहीं। एक बार फिर से टिक मारे, किस पर टिक लगाए, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ेंगे। इसके अंदर ये बात कह रहा है कि भाई तुम कोष में उनमें चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सुपर ऑक्टेट दोनों की बात कर रहे हैं। थैंक यू, अगले क्वेश्चन पे आए, ये किसका पार्ट है, प्रॉपर वातावरण देना है, मिलकर दें और एक प्रॉपर नेतृत्व सीएलसी का लेते हुए एक जोरदार टीम जो काम सीएलसी कर रही है। प्लीज 58 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, MOT से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, MOT का डायग्राम से पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि N2 का डायग्राम क्या होगा, N2 का अगर डायग्राम देखे तो अपन देखते हैं σ1S2, σ1S, σ1S star, σ2S, σ2S star, उसके बाद πI2PX, πI2P, ये फिर आ गया σ2PZ, फिर इसमें एंटी बॉन्डिंग आ गई, तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ भाई साथियों, 4 पे टिक मार दें। ओके डियर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या, रुके आपका होगा क्वेश्चन, ये अपने कार्बन फैमिली से पूछा गया है, हाइब्रिडेशन पूछा गया है। कोक में बात करें तो कोक का यूज अपन किसमें करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं। ए में थर्ड है और ए में थर्ड दो तरीका होता करने का ना। हाँ जी, ये कट गया और ये कट गया ऐसे ना। हाँ जी, डायमंड में ये भी सिंपल यहाँ से पता लगाते हैं, SP3 हाइब्रिडेशन है, तो इसमें सेकंड का आ जाएगा फर्स्ट, बी में फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है अपने पास, दो से ही पता लग जाता है। आगे चले, ये किसका है, ये भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आए, ऑर्गेनिक साथ ही आ जाए। हमारे वर्मा जी हैं, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया क्या जी? बेटा बेटी बच्चे ने, कैसा पेपर रहा? ठीक बच्चा। वर्मा जी बिल्कुल हमारे बहुत पुराने साथी हैं सूरतगढ़ से जी बॉस, तब से अपन मिले थे, अपना गोल सेट से ना लेके ना, प्रमोद गोयल देख रहे, नमस्कार उनको भी। और आप कब से सीएलसी में? मैं 2011 से, 11 आपको 11-12 साल हो सीएलसी में जी बॉस, क्या बात है यार, कल का समय लगता है। आए वर्मा साहब प्लीज, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, और आपके पास कंपाउंड है पाइरिडीन। अब इसमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिग्मा जाएंगे। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो आ जाएंगे 3 पाई बॉन्ड्स, और लोन पेयर की बात करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 लोन पेयर। तो 11 सिग्मा, 3 पाई,
वन लोन पेयर, 11 सेकंड हो गया, सेकंड आंसर हो गया बस। ठीक है सेकंड भाई, थैंक यू। इधर इधर से अगला क्वेश्चन क्या भाई, आए आप आए, आप हमारे पवन मिश्रा, आप भी देवरिया के आसपास के हैं? सर मैं कानपुर से। कानपुर से हो, मतलब कोई लखनऊ से, कोई देवरिया से, कानपुर से, इधर से। आप कब से पढ़ा रहे हो? 15 साल। सीएल से कब से हो आप? 2 साल। दो साल आपका पार्ट, तीनों पार्ट आप, तीनों फिजिक्स तीनों पार्ट लेते हैं, मल्टी किट आदमी है। 61 बताया, 61 क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है जो जनरल हम लोग यूज करते रहते हैं बहुत सारा एटॉमिक रेडियस के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि अगर इलेक्ट्रॉन लेगा नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए तो उसका जो साइज होगा वो सबसे बड़ा किसका होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब एफ निगेटिव बनेगा, इसके केस में एन माइनस थ्री बनेगा, इसके केस में एन प्लस के थ्रू ही अपने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव करेगा, और इसके केस में ओ माइनस टू। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में अपन साइज को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मान लेते हैं जेड के। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे कम जो जेड है वो है नाइट्रोजन का, मतलब उसका साइज क्या होगा सबसे लार्जेस्ट, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम दोस्तों थोड़ा ध्यान दें, हम क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को इस समय जरूरत किसकी है, आंसर जरूरत है, पर कुछ समझते देंगे ताकि बच्चा पेपर को आगे पीछे चेंज करता रहे। अगले प्रश्न पे जाऊं, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, एक वापस अगला क्वेश्चन 60 वापस में भाई, जवाब क्या देगा भाई? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ओके वापस अगले पे आए, बोर्ड साफ करने बेटा। हाँ ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ रिएक्शन कैन हैव द जीरो एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ अरेनियस, कभी भी किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज जितने भी कोलिजन होंगे दे ऑल आर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल कोलिजन कैन बी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ चले तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that the energy become equal to the threshold value, it is called the activation. It is perfect definition of the activation energy. It means to say that अपन कह सकते हैं कि assertion is incorrect but the reason is correct. So A is correct but the B is true. हाँ दोस्तों, आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा। थर्ड कर दें भाई। हाँ साथियों सामने, A असत्य, साथी ध्यान दें भाई, मेरे को ध्यान दें साथी सभी, थर्ड कर दें इस पे, A असत्य बिंदु रीजन जो है वो करेक्ट हो रहा है, आर है ये, आर सत्य, ए तो गलत है बिल्कुल और आर सही है, सही है। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आए भाई, उसके पहले हमारे प्रमोद ढाका सर आए, इनको बुलाते हैं, फिजिक्स की फैकल्टी है, आए ये अपने घर के छत पर आके आए आज। तो आप प्रमोद ढाका कब से पढ़ा रहे हैं आप? आई टेन है, आप हमारी आई टी की मूल फैकल्टी है, मेडिकल भी लेते हैं, 13 से पढ़ा रहे हैं, सीएल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गए, कलक सी बात लगती है। तो आज आपके घर की छत भर रही थी, तो आपको बधाई हो, आपका घर बन गया, थैंक यू। इसलिए बुलाया गया, मैंने कहा भाई छत तो भर रही है लेकिन अगली छत अच्छी भरे, इसलिए सोल्यूशन में कराने आ जाए, मैंने कहा तो फिजिक्स का सोल्यूशन हो गया तेराने से पहले, तो एक परिचय कराया तेरा, थैंक यू डियर। बिल्कुल, अब आप कंटिन्यू अपने काम को घर पे करें, आए। अब हमारे बीच अरुणा सर हमारे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक आप कब से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में? 2008 से। आप सीएल से किस साल से? सीएल से 3 साल। 3 साल से आप मेरे साथ हैं, जिन लोगों को ये वो सब साथी हैं जो 10-12 साल से अपना काम कर रहे हैं, फिर लगा कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म जहाँ अच्छा सा काम होता है, बच्चे पे काम होता है, बच्चे के लिए संस्था काम करती है, हर बच्चे के लिए काम करती है, ना कि कुछ चंद बच्चे छांट के काम किया जाए। आप रात को कैंप अक्सर आते थे, 2500 बच्चा बैठ के पढ़ता है, वहाँ कोई ऐसे नहीं होता कि टोपर का कैंप है, सबका कैंप हमारा होता है, अच्छा करते हैं बच्चे। 63 क्वेश्चन होता है, प्लीज आंसर। अच्छा, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। रिएक्शन में अपने को फाइनल प्रोडक्ट देखना है, HBr की रिएक्शन है, SN1 पैटर्न से होगी, H+ जो है H पॉजिटिव इस OH को लिविंग ग्रुप बना के रिलीज करेगा, और यहाँ कार्बोकेटायन जो जनरेट होगा वो ये 2 डिग्री रीअरेंज होगा, तो यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ये 3 डिग्री में, और इस 3 डिग्री पे फिर नेगेटिव वाला ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये अटैक करेगा। इसके अटैक करने का वाला फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड वाला फोर्थ वाला प्रॉपर है इसका, फोर्थ में 3 डिग्री लोकेशन जो है यहाँ पे भी आंसर क्या कर दें, फोर्थ। हाँ दोस्तों फाइनल है, चलो ये आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन किसका, इधर से साथी, इधर से आ जाए सभी साथी। हाँ अगला क्वेश्चन आए भाई, आप हमारे नवरत्न जांगीड है, आप कब से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में? 12 साल हो गया। सीएससी कब से? 6 साल। 6 साल हो गए, तो हर आदमी 5-6 साल तो कॉमन से, इसलिए दोस्तों कहते ना कि एक किसी अखबार के विज्ञापन में एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा, कई बार हमारे कुछ साथी विज्ञापन छापते हैं, हमारे स्टाफ में बड़ी चर्चा होती है कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे एप्टिव रिजेक्ट हुए, यहाँ पर एप्टिव 6-6 महीने हमारे संस्था फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम रिजेक्ट हो गए थे, उन लोगों को कई साथी कहते हैं सिर्फ फैकल्टी है,
बड़ा लोगों को मिसगाइड किया जाता है। सीकर में सबसे बढ़िया फैकल्टी कहीं है तो सीएलसी के साथ है, चाहे फैकल्टी हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे केयर हो, हर चीज हर पैरामीटर पे श्रेष्ठ बेस्ट सीएलसी है और इसीलिए हर बच्चे पे काम होता है, हर बच्चा संतुष्ट है। आए भाई नरोत्तम सर बताए। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट में अपने को डेल्टा जी के और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में अपने को रिलेशन दिया है स्टूडेंट्स, तो इस रिलेशन में अपने को पूछा है कि डेल्टा जी का मान जो एन पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्राश्रित गुणधर्म है, तो ये एन पर डिपेंड करेगा। और स्टूडेंट इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपने पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसमें रीजन स्टूडेंट दे रखा है इस सेल जो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, और डेल्टा जी जो है वो मात्रा आश्रित या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा पर डिपेंड करने वाला है। तो स्टूडेंट दोनों बातें सही है, और जैसा कि इसमें बोल रहा है कि मात्रा पर डिपेंड करता है और उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर नीचे का स्टेटमेंट दे रखा है, तो स्टूडेंट इसमें ए और आर दोनों करेक्ट होंगे और सही से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हाँ भाई ध्यान दे, सबसे ध्यान दे भाई, ए आर पे बच्चे भी ध्यान दें, तो आपका अर्थ ये कि आर ए और दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। जी बस ओके डियर 65 पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसीय स्टेट से स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा बॉयल्स लॉ के बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अपने को जैसे कि अपन जानते हैं कि पीवी जो है वो स्टूडेंट कांस्टेंट होता है, तो पी और 1/V वर्सेस जो ग्राफ होगा वो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें स्टूडेंट अपने को टेम्परेचर और अपन सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, बट आंसर अपने को फर्स्ट में मिल जाता है। अपन यहाँ पर पी एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल अपन लाइन खींचे स्टूडेंट, तो अपन 1/V को अपन ने कांस्टेंट कर दिया स्टूडेंट, तो अपन ये देख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी और वी को अपन इस साइड में ले जा सकते हैं स्टूडेंट एनआरटी बाई वी, है ना, एनआरटी बाई वी। तो स्टूडेंट अपन ने 1/V अगर अपन ने कांस्टेंट कर रखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जिसका ज्यादा है प्रेशर भी उसका क्या होगा ज्यादा। साफ साफ दिख रहा है। तो इसके अंदर आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट। एक बार बोर्ड खाली किया जाए, बोर्ड खाली करें। हो गया आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया ओके थैंक यू। आगे चले 66, ये किसका पार्ट है भाई? इनऑर्गेनिक। आप है संदीप सर जी, आप कब से पढ़ा इस इंडस्ट्री में? मेरे 12 साल हो गए। सीएलसी कब से है? 2 साल से। आप इसे स्टूडेंट रहे हैं? जी। कब से सीएलसी में आप? 2006 में। क्या बात है, 2006-2008 ये स्टूडेंट्स के पूरी टीम है जो टीचर के रूप में 10-10-12 साल से फील्ड में काम करके साथ है सीएलसी। आए पूछो संदीप सर। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन लेसाने स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड टेस्ट। और बेटा ये सिंपल सी लाइन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, तो डायरेक्ट थायोसाइनेट के साथ में ये वाला बन जाता है। मतलब मूल बात है एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं लाइव जो देख रहे हैं बच्चे गार्जियन की बात करना चाहता हूँ कि प्लीज जिस संस्था का मुझे पता नहीं, मेरी सीएलसी की बात करूं, आप पूरी साल मेरे साथियों की कॉपी मॉड्यूल पढ़ें, उसके बाद साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ें, और सेशन जैसे एंड होता जाए कॉपी मॉड्यूल साइड में करते जाएं, प्योर एनसीईआरटी आ जाए और 6 महीने का कोर्स होता है पूरा हो जाए, लास्ट के 2 महीने हमारे कैंप सिस्टम होता है, लास्ट में फिर हमारे बायोकेम डीटीएस इको फिजिक्स और फिजिक केमिस्ट्री पंच और ब्रह्मास्त्र किताबें देते हैं, लास्ट जनरल टेस्ट देते देते सेशन एंड हो जाता है। आपको बता दूं अगला एग्जाम 4 मई को है जी, 5 मई को है, 2024 का नीट 5 मई को, तो 5 मई तक आप ये सब काम आपको करना ही करना है। तो 6 साल क्या हो गया 3 हो गया। आगे चले भैया, अगला क्वेश्चन किसका है? ऑर्गेनिक का है साथी। ये हमारे सर जी बिल्कुल शानदार, कब से पढ़ा रहे हैं आप फील्ड में? 2012 से। 12 से कब से आप? 13 से। 2013 से, मतलब कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल से आप काम कर रहे हैं हमारे। रणवीर सर प्लीज आए बताएं, आपसे बताएं इसका। जी बॉस, ये सवाल अपने है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, ये N2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा और क्या आ जाएगा Cl, फिर BR आ जाएगा क्योंकि BR दे रखा है इधर, फिर MG के साथ में अपन रिएक्शन करवा देंगे तो ये गिनार रीजेंट बन जाएगा, और वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो ये रिएक्शन क्या बना देगी? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? बेंजीन। एक नंबर जी भाई, सेकंड एक नंबर। चलो बोर्ड साफ कर लो वहां से प्रश्न से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए किसका है? फिजिकल। आए नवीन सर आएंगे, फिर हमारे वो फिर लाटले स्टूडेंट हमारे नवीन, कब से पढ़ा रहे इंडस्ट्री में आप? 7 साल हो गए। कब से हो? 5 साल से पढ़ा रहे। आए सर जी, नवीन सर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें बोला है कि द पहला स्टेटमेंट वाइज है, एक एक स्टेटमेंट अपने को चेक करने, तो एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज टू एटम्स, मतलब टू फंडामेंटल एटम नहीं होते हैं, हर किसी का एक अपना पर्टिकुलर फंडामेंटल एटम होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, तो इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल करेक्ट बात है, यही होता है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है,
प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, नहीं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका कारण खोटा हो गया। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन यूनाइटेड पार्टिकल, इसमें क्या होता है कि जो डाल्टन्स थ्योरी में जो एटम है अपन उसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें बी सही स्टेटमेंट है, सी सही स्टेटमेंट, ई सही स्टेटमेंट, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई थर्ड आपका सही करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें पांच, एक दो तीन, पांच पांच स्टेटमेंट दे रखे हैं। ओके बोर्ड साफ कर दे, पांच से प्रश्न। हां अगला क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट फिजिकल का है, आपका पता है? ठीक है बिल्कुल, कंटिन्यू करें। बोला है कि कंपाउंड इज फॉर्मड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, द एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिक, मतलब बी के जो एटम है वो चार आ जाएंगे, ठीक है क्लोज पैकिंग में जा रहे हैं। उसके बाद जो एटम्स हैं, जो ए है वो वन थर्ड OHV ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सॉरी THV, तो यहाँ पर 8 है उसका वन थर्ड कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रखेंगे तो 2/3 B1 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं तो A 4 आ जाएगा और B 3 आ जाएगा, सॉरी A 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड B 3, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी X प्लस वाई की? 5। हाँ दोस्तों आंसर वाई को 5, 69 का आंसर हो गया, 5 नंबर। थैंक यू, आए बेटा। अब हमारे मैथ के साथी आए हुए हैं, इनको बुला रखा है, आपको आपसे परिचय कराते हैं फिर आपको फ्री करते हैं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन तो एडवांस है। आए कमल सर, आए कटानी सर, आए रिकेश, आए आप हमारे कमल सर हैं। कमल सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? 2012 से ज्वाइन किया है यहाँ पे। 12 से 11 साल हो गए, 11 साल से आप हमारे IT विंग की फैकल्टी हैं। थैंक यू कटानी सर, आप कमल भाई साथ हैं, कमल भाई आप कटानी सर, सर आप कब से हैं CLC में? 15 साल हो गए सर, ये तो बिल्कुल हमारे कटानी सर कटानी से बहुत सीरियस नाम है। आए रिकेश गुप्ता सर, आप भी आए, आप साथ यहीं रहे। आप कब से पढ़ा रहे सिलसिले में? 10 से पढ़ा रहे, 13 साल आपको, तो ये हमारी IT विंग के बहुत मजबूत प्लेयर है। आप 10 साल से हैं, आप 15 साल से, आप 10-12 साल से हैं। तो दोस्तों एक बार जोरदार ताली हमारी IT मैथ विंग के लिए। मेरी इच्छा थी आज इस लाइव के माध्यम से, तो मैं कहता हूँ सीकर में नीट और जेई दोनों पेपर अंदर काम कर आपका CLC। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये हमारा देखो एक टीम का डेडिकेशन है, आपका कोई सोल्यूशन नहीं फिर भी कहने हम भी आएंगे जी। CLC का काम है, घर में जो काम होता है तो सभी इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू भाई, आप बैठे। अब हमारे वर्मा सर वापस से आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के साथ आ रहे हैं। आए वर्मा सर, ये क्वेश्चन हमारे पास एक दो स्टेटमेंट का है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाला है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड, ये यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहां पर फॉस्फोरस नहीं फॉस्फोरिक एसिड होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, जबकि यहां फॉस्फोरस मतलब दिया है, एक शब्द से गलत हो गया। हाँ एक शब्द से गलत हो गया, ये सिली मिस्टेक वाला है जी। बच्चों जान दो भाई, यानी फॉस्फोरिक होता तो सही था, तो ये लाइन होंगे NCERT के बिल्कुल जी। बस सारा खेल तो NCERT का ही है। मैं तो इस इंडस्ट्री में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ एक ही बात कहूँ प्लीज आप, और जेई मेन भी पूरा कहाँ से आता है सर? NCERT से आता है। जेई मेन हो चाहे नीट हो, हाँ एडवांस एडवांस की थ्योरी भी NCERT पढ़नी पड़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट जेई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़नी पड़ेगी आपको। तो कौन सा सही होगा आंसर इसका? इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा, स्टेटमेंट सेकंड तो आप क्या कहेंगे? कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। आंसर क्या होगा भाई? सेकंड सेकंड कर दें, चलो बोर्ड साफ कर दें भाई। वहां से आगे अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आए। हाँ भी आ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा एक लाइव चल रहा सॉल्यूशन, फिजिक्स का हमारा पूरा हो गया, केमिस्ट्री के हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बिल्कुल अभी मेल के थ्रू हमारे पास अगले क्वेश्चन की PPT आ रही है, तो ये लाइव चल रहा है तो सब आपके सामने सामने होता रहेगा। तो डियर ये तो लाइव का अपना मजा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आप फिर इसके ऊपर पॉलीमर चैप्टर से है, हमें पूछा है पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन, और नियोप्रीन के लिए हमें मोनोमर लेना होता है क्लोरोप्रीन, तो आंसर फर्स्ट फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चले सर, बोर्ड को साफ करते हुए ये क्वेश्चन आप आए, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और ये रुक जा भाई यही गड़बड़ परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझे भी डरा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे उन दो तीन टॉपर का भी गलत होने की संभावना हो रही, तो मैं चाहता हूँ भगवान करे कि वो जो करके आए, इसमें वाकई कुछ गड़बड़ है क्या? आप इसको एक्सप्लेन करो, इसको पूरा एक्सप्लेन करो। इसमें पूछा टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, तो जैसे इनाइट पेर इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सॉरी ऑप्शन इसमें सेकंड और फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शन बहुत इजी है कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, बट यहां प्रॉब्लम है अपने पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में। फर्स्ट की अगर बात करूं तो In+3 में ज्यादा स्टेबल होता है In+1 से, इसमें बात करें तो ये इसके काफी क्लोज ऑप्शन है,
क्योंकि अगर मैं यहां आई माइनस मान के करता हूं तो टी एल प्लस थ्री में आई माइनस के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल है, बट अगर मैं इस पूरे आयन को आई थ्री माइनस आयन कंसिडर करता हूं तब ये स्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में अनस्टेबल है, इस कंडीशन में स्टेबल हो जाएगा। तो यहां ऐसा कुछ हमें कंसिडर किया हुआ नहीं। बच्चा क्या करेगा एग्जाम में? बच्चा स्पष्ट भी कर सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टी एल आई थ्री नॉट एग्जिस्ट। ये कंफ्यूजिंग है, एनटीए पे डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट भी दे सकते हैं थर्ड भी दे सकते हैं। हम फर्स्ट और थर्ड दोनों की तरफ ही जाना चाहेंगे, दोनों ही क्लोज है। दोस्तों क्या करें, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों दे दे क्या? प्रोड्यूसर इनऑर्गेनिक की टीम मूल दे दे भाई। दोस्तों एक बार फिर से बचाओ प्लीज, फिर से आप थर्ड क्वेश्चन कर दो एक बार। क्या है ये? इसमें आई एन प्लस थ्री में आई एन प्लस वन में तो हमने पता है कि जो सबसे बॉटम वाला एलिमेंट है वो लोअर में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बॉटम से ऊपर वाला एलिमेंट है तो प्लस थ्री में ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑप्शन सही नजर आ रहा है। बट अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं टी एल आई और टी एल आई थ्री की, तो यहां पे टी एल आई थ्री आई माइनस में मान के चलेंगे तो ये लेस स्टेबल है, बट अगर आई थ्री माइनस आयन मान के चलूंगा तो ये मोर स्टेबल है। तो मतलब ये अपन डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा जिसने क्वेश्चन बनाया उसने क्या सोच के बनाया होगा, उसी मान जाएगी भैया, उसी की मान जाएगी। एक और तीन दोनों कर देते हैं दोनों। तो ठीक है भाई, मैं हम लोग हमारी टीम का पूरी का मेरे सामने पूरी टीम बैठी हुई है, हम लोग फर्स्ट और थर्ड दोनों को सही दे रहे हैं जी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए भाई। ये बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सम ट्रांकुलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिट्यूरेट्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और इसका सीधा सा एग्जांपल है वेरोनल। चलो बोर्ड साफ कर लो, आगे बोर्ड हां। अगला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बच्चे से सीधी मिस्टेक करवाई रहा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आया है पूरा, एक ही जगह से क्वेश्चन लाइन उठाइए चार। इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, तो ये बात सही है। हेवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बात भी सही है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ये भी सही है। यहां बोला है द एचएच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट, ये गलत है, लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव की यहां मोर की जगह लेस एक्टिव आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। वैसे तो देखिए ऐसे आरसी सर वो केवल एबीसी देखते हैं, हम तो बता देंगे ना ऑप्शन सेट जो एग्जाम, क्योंकि हमसे पूछा है नोट करेक्ट। अच्छा तो डी और ई आएगा, उल्टा हो गया क्या? तो ये गड़बड़ हो गया, डी और ई। ओ भाई हां, इसके नाम से वो एक डायलॉग है कि एग्जाम में उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम लिखता है, ना उसे ज्यादा पढ़ो ना उसे कम पढ़ो। मैं पढ़ गया, ये गलती एग्जाम में करते हैं लोग, एक नया डायलॉग खड़ा कर रहे हैं, परीक्षा में प्लीज वो ही पढ़े जो अगले ने लिखा है, ना उसे ज्यादा पढ़े ना उसे कम पढ़े। आगे चले, ये किसका वाला है? ये भी के बोन उसका इनऑर्गेनिक का पार्ट है। चलो कर दो कंटिन्यू करो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड, तो जितने भी टाइप के वैन डेर वाल्स फोर्स है वो सभी आ जाएंगे इसमें। डायपोल डायपोल आ जाएगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा और डिस्पर्जन फोर्स आएगा, कोवेलेंट वाला नहीं आएगा। तो ए बी सी डी इसके, हाँ भाई ए बी सी ई इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए, तो आंसर हो जाएगा सेकंड सही भाई आंसर। चलो थैंक यू, अगला क्वेश्चन निकाले भाई। ये भी नोट के आ जाओ, फिर आप आ जाओ नॉर्थन सर, आप आ जाओ, ये हमारे साथ ही फिर रिपीट हुए, अगला क्वेश्चन जवाब दे। इसमें पूछा है अपने को दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा, तो स्टूडेंट अपन जैसा कि डायरेक्ट ऑप्शन बहुत आसान सा ऑप्शन है, एग्जांपल है सीधा बी एफ थ्री के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास में, तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल भी है बी एफ थ्री। बोर्ड साफ कर ले, आगे चले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मॉल कंसेप्ट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्शन अपने को दे रखी है, और इसमें अपने को पूछा है कि मास ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग 20 ग्राम 20%, तो स्टूडेंट 20 ग्राम का अपन सबसे पहले तो 20% अपन निकालेंगे, तो एग्जैक्टली अपने पास दिया गया मास अपने को 4 ग्राम कंसिडर करना है। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है स्टूडेंट CO2 बन रहा है, तो अपन जैसा कि जानते हैं कि एक मोल से एक मोल CO2 बनेगा स्टूडेंट्स, तो एक मोल का वेट कितना होता है स्टूडेंट 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से अपने पास 44 ग्राम ऑफ CO2 अपने पास बन जाएगी, तो 1 ग्राम से कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स 44/100, और अपने को 4 ग्राम से अपने को कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट, तो अपन एक प्रकार से इसको 4 ग्राम से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 25 दोनों दो से कम आएगा, हाँ तो 1.76 ग्राम आंसर जाएगा। थैंक यू, बोर्ड साफ कर दें उधर से, आगे चले नेक्स्ट, अगला साथी आ जाए क्वांटम का, आ जाओ हनुमान सर, पीछे आपका साथ पहले हो चुका हमारा, तो ये आए प्लीज।
ये क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन एन एम द नंबर ऑफ परमिसेबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. ये कह रहा है कि एम एल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होगी. तो इसके लिए हाँ सिंपल सा फॉर्मूला तो यहाँ से एल के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है तो एल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एम माइनस वन डिवाइड बाई टू. इसका आंसर फोर्थ होगा. भाई सही कर दे भाई सब साथी. चलो आगे एक 62 में जो है वो मे बी फर्स्ट आंसर भी हो सकता है. अपने जो दिया है वो थर्ड दिया है वैसे हाँ। लेकिन फर्स्ट भी हो 62? सकता है. 62 निकालो वापस लगाओ 62 को भैया अभी डिस्कस मे बी है वो 62 पे आए 62 पे आ जाओ. ये साथी सामने बैठे हुए अपना डिस्कस कर रहे हैं चीजों के बारे में तो 62 पे आ जाए आराम से आ जाओ घबराए नहीं 62 पे आ जाओ बिल्कुल आ जाओ 62 पे आ जाओ 62 ये रहा. तो इसमें आप क्या मान रहे हैं 62 में फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है. तो हो सकता है कि ये क्या नाम है ये वाला स्टेटमेंट सही भी हो सकता है. अभी अपने एक बार के लिए अपने गलत माना है. ये सही इस केस में हो सकता है कि अगर फ्री रेडिकल में जो है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो भी होती है ऑलमोस्ट जीरो होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है. मतलब ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट में आपने क्या आंसर दिया इसका. इसका आंसर अपने थर्ड दिया इसको इनकरेक्ट माना है. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन पे बच्चों एक बार और देख लेते हैं सभी साथ. देखो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आएंगे. चलो वापस आगे चलो कहां थे पहले अपन 78 पे 78 पे आ जाओ भाई आगे आराम से जाओ बेटा 70 आगे चलो 76 हो गया 77 हो गया 78 हो गया 79 पे आ जाए 79 किसका है आए डूडी सर आप आए आए डूडी सर. ये डी ब्लॉक से है. पूछा गया कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू इज मोर देन कॉपर प्लस वन सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू. बेटा सीधी सी बात है कॉपर प्लस वन है ये चेंज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में किसमें कॉपर प्लस टू प्लस कॉपर में किसके कारण क्योंकि इसकी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है. तो अपना आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सेकेंड आंसर. आगे चले आगे चले अगला क्वेश्चन किसका है. अगला इस ब्लॉक में एप्लीकेशन है यूज है इसके इसमें ये बस डाटा बेस है. यहाँ पर ये डाटा रॉन्ग दे रखे हैं यहाँ पर उसके बेस पे अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ. एक ही पूछा होगा नहीं कौन सा सही पूछा इसने फोर्थ सही पूछा है. ये डाटा सही है दिया हुआ है डाटा सही दिया हुआ है. एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो पूरा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑल एंजाइम द लाइजेज फॉस्फेट ट्रांसफर ये सही में फोर्थ सही है क्या. चलो फोर्थ सही है आगे चले नेक्स्ट पे आ जाए. ये ऑर्गेनिक आए ऑर्गेनिक के साथ ही आए. मिश्रा जी आ जाओ मिश्रा जी आप आ जाओ आ जाओ आराम से आ जाओ कोई दिक्कत तब तक हम संभाल रखें मोर्चा घबराओ मत हमें तो पूरे 200 करवाने हैं. तो दोस्तों जो भी लाइव देख रहे हैं जुड़े हुए हैं अपनी की को जोड़ते जाएं और जो सीएलसी के बच्चे हैं वो अपने सीएलसी की ऐप है उस पर देते रहे आंसर. हाँ मिश्रा जी बताएं इसमें नॉट नॉट प्राइमरी एमीन तो प्राइमरी एमीन इसका करेंगे तो CH3 NH2 ये हो गया प्राइमरी एमीन. इसका करेंगे CH3 NHCH3 तो आगे सेकेंडरी एमीन तो ये आंसर आपका हो गया. इसमें भी प्राइमरी क्या हो गया सेकंड आंसर सही भैया. चलो आगे बोर्ड साफ करो आगे आ जाओ. हाँ जी इसमें सीधे ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है क्या पूछा है इसमें ये ग्रुप क्या है तो ये ग्रुप है एलाइलिक हैलाइड. बेटा भाई 83 में क्या कर दें 82 में सॉरी दो कर दें. चलो आगे चलो बोर्ड साफ करो. हाँ इसमें यहाँ छपा गलत है वैक्सीन है इसमें हाँ नहीं उस सही कर दिया 83 में नोट कर ले CN दयाल नोट करना भी 83 में 20 मिनट हो गया है OHCN हो गया. अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ OH और COH और फिर आपका दे रखा है हीट तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड COH. तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड. क्या क्या प्रश्न क्या है ये क्वेश्चन में है करेक्ट यहाँ CN और OH होगा. भाई ध्यान दें एक मिनट आप नोट करें राजेंद्र वर्मा जी 83 में OH किस के CN करना कंप्यूटर में 83 वाला गलत है 83 वाला. ओके डियर नेक्स्ट आगे चले 84 पे 80 आए इनऑर्गेनिक आए बिल्कुल दयाल जी आप आए. ये किसका मतलब टॉपिक बता मेरे को बता मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यस बता. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की यहाँ बात की है मतलब सारे लिगेंड सेम होने चाहिए. यहाँ पे डाईएमीन डाईक्लोराइड आ गए इसका मतलब दो लिगेंड आ गए तो डिफरेंट लिगेंड आते ही है तो गया ऑप्शन. उसके बाद में पेंटाएमीन और आपका कार्ब यहाँ पे आ गया कार्बोनेट ये भी गया दो प्रकार के लिगेंड आ गए. टेट्राएमीन ट्राई एक्वा दो प्रकार के लिगेंड आ गए ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो बता फिर तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब तीनों लिगेंड सेम है. चार सही कर दे भाई. चलो आगे चलो बोर्ड साफ करो आगे चले आगे आए. ये किसका पार्ट है फिजिकल ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक का पार्ट है। आप आ जाओ, आप दादी जी को भेज दो, दादी जी आप 87 में काम 87 में आ जाओ, आ जाओ वापस आ जाओ। किस में आगे जो 87 क्वेश्चन है ना वो आप बाद में आ जाएगा। आओ दादी जी आप आ जाओ 85 पे आ जाओ। हमारे पास एक जोरदार एक एक पूल है टीम का। हां प्लीज 85 वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ सोडियम एथेनॉइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। सर ये क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों से मिला के लिया गया है। ऑर्गेनिक की रिएक्शन है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें अपने को रिएक्शन मोल का फंडा काम आ जाएगा CH3CONa। इसकी रिएक्शंस NaOH प्लस CO के साथ करवा रहा है जिसको अपन सोडा लाइम बोलते हैं। और इसमें बच्चे को अगर बच्चे को पता है कि CH4 बनता है तो अगले ने सिंपल सा बताया है कि 2 मोल ऑफ जो CH4 बनेगा अगर प्रोडक्ट पता है केवल तो 2 मोल बनेगा तो इसका मोलर मास 16 हो गया तो 32 ग्राम मिल जाएंगे। एक मिनट वीडियो को मतलब रिएक्शन याद हो तो बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है पता चलना चाहिए सोडा लाइम डी सही हो रहा है गलत हो रहा है। हेलो 32 हो गया। आप स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हैं मजा आ रहा है थैंक यू बोर्ड साफ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। तो ये सारे क्वेश्चन अपना क्वेश्चन अपना जाएगा आगे आए। अगला क्वेश्चन किसका रहेगा 86। तो यहां तक क्वेश्चन थे 35 सब सारे करने होते हैं अब 15 में से 10 करने होते हैं। आई 86 में HI के साथ रिएक्शन तो यहां कार्बोकेटायन बनेगा तो इस पे लग जाएगा I और इस पे लग जाएगा H तो यहां हो जाएगा CH2I और ये OH। ये आपका आंसर हो गया 86 का सेकंड। कोई गड़बड़ है इसमें? नहीं इसमें कोई गड़बड़। अच्छा आगे चलें बोर्ड साफ करो। ये है क्या गड़बड़? ये गड़बड़ क्वेश्चन। सुनो भाई कुछ कर ऑर्गेनिक वालों साथियों भाई कुछ गड़बड़ है इसमें तो अब ढंग से एक्सप्लेन कर दो इसको। अब अगर जो इसमें पूछ रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन तो अगर यहां से H2O निकालें डबल बॉन्ड यहां यहां H2O निकालें डबल बॉन्ड यहां कंजुगेटेड डायन बन गया ठीक है तो ये आंसर पॉसिबल है ठीक। और अगर जो हम पिनाकोल पे बात करें तो यहां पे ये वाला आंसर पॉसिबल है ठीक है। इसमें जो आंसर हम लोगों ने दे रखा है फर्स्ट और थर्ड ये आंसर दिया फर्स्ट और सेकंड आंसर सेकंड की तरफ। और जो अपने टीम हमारी है टीम सीएलसी रुको अब मेरे को समझो मैं पीछे काम लग गया मैं। अब आप क्या करना चाहते हो बोर्ड साफ करें एक बार पुत्र आप ये करना चाहते हो कि इसमें गड़बड़ क्या था आपने मेरे को तो इसमें ये भी आंसर हो सकता है डबल बॉन्ड बन गया डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया ये भी स्टेबल हो सकता है समझ रहे हैं सब भैया। और पिनाकोल की वजह से ये भी स्टेबल हो सकता है यहां पे तो इसलिए आंसर अगर जो एग्जामिनर इसको इसके सेंस में ले तो ये आंसर हो जाएगा और इसके सेंस में ले तो ये आंसर हो जाएगा तो कहना मतलब दोनों आंसर देंगे इसके दोनों आंसर। बोलो भाई लाइव देखने वाले सुन लो कि हमारी टीम का ऐसा मानना है कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है थोड़ा सा झुकाओ अपना सेकंड तो सेकंड ज्यादा सही है तो अपन सेकंड दे फिर बोलो हां ना एक से एक रहे ये दोनों दे देंगे दोनों हैं तो सेकंड ही देंगे अपन ये दोनों दे कल हिंदुस्तान की दो धड़े में बटेगा इस पर क्या बात है क्या थैंक यू डियर। तो ओके आगे अभी ये कमेंट पढ़ा मैंने सुना अभिषेक एक क्वेश्चन लिखा है कि डायरेक्टर के सामने भी टीचर पढ़ा रहा है इसका मतलब टीचर जिक्र बहुत ज्यादा है भैया डायरेक्टर कोई नहीं है यहाँ हम सब टीचर ही हैं। आपका दुर्भाग्य है कि आप उन कोचिंग पढ़ते हो जहां डायरेक्टर से आप ही नहीं मिल सकते जो उनको पैसा देते हो जिनके आपके पैसे घर चलता है उनसे आप नहीं मिलते। डायरेक्टर खेल नहीं है ये तो वो व्यक्ति है भैया जो पिछले 55 दिन रात को 12 बजे तक सोया है इनके साथ जगा है इनको सुला के सोया है इसलिए डायरेक्टर का फंडा यहाँ नहीं है तो हमारे तो परिवार है CLC परिवार है इसलिए तो इसलिए जो लाइव लिखा है इसलिए भाई हमारे पास आ जाते हो वो दुकानों में मजा आता है डायरेक्टर होते हैं या घर में आता हूँ थैंक यू आ गया हो भाई। हाँ हमारा फिर साढ़ साहब आ गए अब हाँ। सभी बचे हुए साथियों एक एक क्वेश्चन के लिए आएंगे एक क्वेश्चन आएंगे सब तैयार रहे अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों से हो रहे हैं ठीक है तो डेल्टा जीनोड और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन क्या होता है डेल्टा जीनोड इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सबसे पहले अपन के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं और के इक्विलिब्रियम क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखो प्रोडक्ट सी और डी की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 10 और 6 तो 10 और 6 कितना हो गया 60 और नीचे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है 2 और 3 तो ये हो गया 6 तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 1 तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2.303 आर की वैल्यू 2 कैलोरी के अंदर आपको लेनी है तो 2 इंटू टेम्परेचर देर का 300 लॉग 10 बेस 10 हो रहा है और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 तो ये आएगा माइनस 1381 कैलोरी सेकंड कर दे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हां भाई साथ सब सही कर दे भाई
तो 88 का क्वेश्चन सेकंड से कर दे भाई, चलो अगले साथी आओ, जा रहे साथियों भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, इस कौन सा पार्ट है भाई, एनवायरमेंट केमिस्ट्री का, सप्तर्षि मंडल बोलते हैं इसको, सुनो भाई इसका सप्तर्षि मंडल है हमारे, बताओ क्या क्या है इसमें, इसमें हाइड्रोजन, एसप्लोक, पॉलीमर, पीओसी, केमिस्ट्री डेली लाइफ और बायोमोलिक्यूल, ये कौन मच गया, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, सप्तर्षि मंडल बोलते हैं, और इसके इस बार मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन आराम से आए, प्लीज बताएं। इसमें सर सिंपल ये पूछा है इसने कि पोषण रहित जल निकाय से सुपोषण होता है, नहीं होता, पोषण अच्छा होगा तभी उसका सुपोषण हो सकता है, और दूसरा जो दिया है इसमें सुपोषण से जल निकाय में ऑक्सीजन का स्तर घटता है, ये सही है, तो इसका पहला जो है वो असत्य और दूसरा जो कथन है। हाँ साथियों सही कर रहे भाई, 89 में, सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं 10 साल हो गए सर पढ़ाते, सीएल से कब से आप? लास्ट ईयर आए। क्या बात है, थैंक यू सर, आए प्लीज आए, अगले साथी हमारे आए। हाँ सर आप इंडस्ट्री में कब से? सर मैं 3 साल से। अभी सीएल से कब आए? सर अभी रिसेंटली। ये बिल्कुल यूथ लड़के हैं जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिनको लगता है कि इनके साथ हमारा कैरियर बहुत बेटर है, इसलिए नए यूथ जनरेशन जो हमारे साथ मिक्सर है, हमारे 15-15 साल वाले साथियों का और नई यूथ का मिला के एक शानदार सी टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं, प्लीज बताएं ये किस टॉपिक है बेटा? ये सर थर्मोडायनेमिक्स है, ये बिल्कुल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा एच जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, कौन सा हो गया? तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये प्लस आएगा, ये भाग नहीं है प्लस है भाई, नोट करें नोट करें, वर्मा जी वर्मा जी नोट करें, 90 में ये प्लस का निशान है, प्लीज सही करें वर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी है, देखो देखो, हाँ भाई लाइव वाले भाई पहली बार ये कंपोज अभी हो गया है ना, तो ये भाग का निशान गलत हो गया, डिवाइड का ये प्लस है, तो आंसर क्या हो गया अपना, फर्स्ट हो गया, आप उठा लेको अच्छा, ठीक है डियर थैंक यू, अगला साथी आया हमारा, हाँ परमेश्वर जी ये किसका पार्ट है बेटा? इनऑर्गेनिक का पार्ट है, मैच करना बहुत ईजी होता है ना, एक पकड़ आते फिर पूरा बताएं, आप परमेश्वर सेवदा जी हैं, आप सीएलसी में जुड़े हुए 2 साल, कितना लगे आपको? अच्छे बिल्कुल, एक ये यूथ टीम अपना साथ, पुराने साथ इनको खिलाना सिखा रहे हैं, अच्छा ये सब लोग तैयार होकर सीएलसी के प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं, आप बताएं। परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, देखो परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में 2s OH बॉन्ड और 4s O बॉन्ड, तो ए में थर्ड, ए में थर्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट या थर्ड सही हो सकते हैं, तो गए दो, तो आगे चलो। बी में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में देखो 2s OH बॉन्ड और 2s O बॉन्ड होते हैं, तो बी में फोर्थ, तो दोनों आगे और सुनना पड़ेगा भैया। देखो सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड में देखो 2s OH बॉन्ड होते हैं और 4s O बॉन्ड होते हैं, तो कौन सा हो गया फिर आंसर, फर्स्ट हो गया फिर, हाँ भाई सही कर दे, चलो अगले साथी आए। 92 किसका पार्ट है भाई? सर ऑर्गेनिक। आए सर आप कब से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में? सर 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया, चलो बताएं आप। एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 टॉलरेंस रिएजेंट है, तो टॉलरेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप देता है और ऑक्सीडाइज कर देता है इसको एसिडिक ग्रुप में, तो एसिडिक ग्रुप ये बेसिक मीडियम है तो COO-1 में एग्जिस्ट करेगा, सेकंड हाँ भाई साथियों सही है 92 में, चलो आए सर थैंक यू, 92 का हमारा सही हो गया सेकंड आंसर, 93 में आ जाए, ये छोटा सा क्वेश्चन क्या आ गया बीच में भाई, आए नेक्स्ट साथी आ जाए हमारे, ये किसका पार्ट है भाई, किसका पार्ट है? फिजिकल का पार्ट है, आए आओ हनुमान सर आप आए, अब जो साथी बच गए वो सभी आ जाएं, सभी का परिचय करा देंगे बोर्ड पे, इसके बाद सारे साथी लाइन से आ जाएं ताकि आपका एक बार परिचय करा दें, हाँ ये क्या भाई, ये सरफेस केमिस्ट्री में आया टाइप ऑफ, ये तो आंसर जाएगा सीधा उठ के, हाँ प्यूमाइसिस्टोन इज द एग्जांपल ऑफ, प्यूमाइसिस्टोन ये होता है सॉलिड होता है और इसके अंदर एयर ट्रैप हो रखी होती है, उत्तरी, तो ये सॉलिड सोल का एग्जांपल है सीधा सर, 93 चलो नेक्स्ट अगला देखो किसका है, 94 ये किसका है, इनऑर्गेनिक का, आओ इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक आ जाए भाई एक बार, रूडी आ जाए आप एक बार, सभी साथ आ जाओ आपका सब परिचय रहता होगा, जो साथी रहेंगे सब आ जाए आपका परिचय, सर अपना नाम बताएं और कब से पढ़ा रहे हैं आप? प्रमोद नागर 12 साल हो गए, 12 से मेरे को 1 साल का, 1 साल से काम कर रहे हैं, आपका पार्ट कौन सा है? इनऑर्गेनिक, आप बताओ फिर आगे, तो ये क्वेश्चन मेटलर्जी से है और वात्याभट्टी का डायरेक्ट एनसीईआरटी से एजेटिस क्वेश्चन उठाया है, इसमें ये जो तीनों रिएक्शन है ये 900 से 1500 केल्विन टेम्परेचर पे होती है और ये जो लास्ट रिएक्शन है ये 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर पे, बात ये कि एनसीईआरटी 20 बार एजेटी डायग्राम से डॉक्टर बन जाता है आदमी, ये सुन लो लाइव वाले बच्चे पता नहीं भगवान ने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी ये चल रहा है और बायो में तो उसके अलावा बात करेगा ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्थिति होगी आजकल, तो भैया आपको यदि दोस्तों आज आप नंबर जोड़ रहे हैं, यदि आप 2023 में सिलेक्शन रेंज को पार नहीं करते हैं
तो दिमाग खराब नहीं करें, 15 मई से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रिपीटर का भी, रैंक अचीवर का भी, सीएलसी आए, हमारी योग्य टीम के साथ जुड़े और लास्ट के 2.5 महीने फिर मेरे धक्के चढ़े, 6 महीने ये आपके साथ काम करेंगे, 2 महीने फिर मैं रात भर जगूंगा और दोस्तों पूरी जिंदगी आपकी सेट हो जाती है जैसी बागी लोगों की हो रही है। कौन सी रिएक्शन नोच है तो ये हमारा हो जाएगा 500 से 800 मत नोट पूछा है। थैंक यू 95 में आए, अगले क्वेश्चन में आ जाए भाई। ये किसका पार्ट है भाई? 95 किसका पार्ट दोस्तों, कौन सा पार्ट है? इनऑर्गेनिक पार्ट है। आए हमारे नवरत्न जांगिड़ सर आए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपने को पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात पूछी है, तो जैसा कि अपन पहला स्टेटमेंट पढ़ पा रहे ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमओ। स्टूडेंट अपन टाइटेनियम से लेकर ZN तक सभी के सभी मेटल जो एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं और लोअर ऑक्सीजन स्टेट में बेसिक नेचर के होते हैं और आयोनिक भी होते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स। The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxide is attained in bilkul characterized mein jaise magnesium jo hai wo ek prakar se 7th group ka hai aur iski maximum oxidation state +7 hoti hai, isi prakar se 3rd group ka to iski maximum oxidation state +3, ye statement bhi correct hai। Basic character increase from B2O3 to B2O4 to B2O5। To state jaisa ki apan jante hain ki oxidation state jab badhti hai student yahan par dekho oxidation state yahan par badh rahi hai, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ते हैं स्टूडेंट एसिडिक प्रेशर बढ़ती है, जबकि इसमें अपने को देखता है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है स्टेटमेंट ये करेक्ट हो इनकरेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। B2O4 डिजोल्व इन एसिड टू गिव BO4 -3 स्टूडेंट ये बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है, B2O4 जो है वो एसिड में डिजोल्व होने पर BO2 प्लस बनाता है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया इनकरेक्ट। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल स्टूडेंट ऑक्सीजन स्टेट डी ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं और जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर कम होगा, एम्फोटेरिक नेचर आएगा और एसिडिक नेचर आएगा, तो ये एम्फोटेरिक बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपने को स्टूडेंट पूछा है अपने को इनकरेक्ट, तो अपने सी और डी करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आंसर करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट में इनकरेक्ट जो है वो अपने को टिक करना है। ओ तेरी ये बड़ा मामला, तो कौन सा आंसर करेगा इसका? इसका सी और डी इनकरेक्ट। चलो दो नंबर हो गया, सही कर दिया दो नंबर। चलो आगे अगले पे आओ, 96 आए ऑर्गेनिक आगे दोबारा से जी बस आए रणवीर सर। ये है हकल रूल को कौन फॉलो करता है, हकल रूल क्या होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन इनको जो फॉलो करता है इसका मतलब हकल रूल है। n इज इक्वल टू अपन क्या यूज कर सकते हैं 1, 2, 3, ये एरोमेटिक है यानी कि जो एरोमेटिक होगा वही हकल रूल को फॉलो करेगा। ये एरोमेटिक है इसमें 6π इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10π इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4π इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, इसमें 8π इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन एरोमेटिक यानी कि टफ फॉर्म में मिलता है, ये एरोमेटिक है। तो 1, 2 और 3 एरोमेटिक है अपने पास, हकल रूल को 4 है क्या 1, 2, 3 एक बनाया नहीं है सर क्वेश्चन में, ये मिस प्रिंट हो गया बस। पेपर देखो, पेपर देखो, मैं पेपर दिखा दूं, मेरे को गलती होगी मैं बना देता हूँ, लो भैया पेपर देखो ये बनाया, कैमरा बना दे, ये भी एरोमेटिक है, कैमरा क्लोजअप कर भैया, ये क्वेश्चन 96 है, क्लोज वो कैमरा हो गया, तो एक्चुअली में इसमें ये ऑप्शन वो थोड़ा सा ना अभी कंपोज हुआ है, तो ये आपका हो गया, तो ये भी हकल रूल एरोमेटिक है, हकल रूल की पालना करता है, हकल क्या होता है, हकल रूल होता है, तो ये है, तो आपके आंसर क्या हो गया 4 हो गया। वर्मा जी ये सब आपकी ड्यूटी है कंप्यूटर में करेक्शन कराना, थैंक यू, वापस अपना पकड़े। हाँ जी आगे चले, 97 में आ जाए, 97 क्या है, किसका पार्ट है भाई? FCC, हाँ बिल्कुल आया था, आपसे बताए यहाँ पर अपने को FCC के अंदर 97 बताना है, तो FCC में S सेंटर का अगर कंट्रीब्यूट बताएंगे तो S सेंटर वाला 4 यूनिट के कांटेक्ट में होता है, तो एक यूनिट के हिस्से में 1/4 पार्ट आ जाएगा। आंसर क्या हो गया 1/4 कर दे भाई, 97 दोनों में कर दे। चलो आगे चलो 98, ये किसका पार्ट है आप बता दो। यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो जब भी बात है वैसे तो स्टेबिलिटी जो होती है वो CFIC और KF पे डिपेंड करती है, लेकिन जब किलेटिंग कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी अपन ज्यादा मानेंगे मोस्ट ऑफ केस में। चलो खाली 98 में दो नंबर बोर्ड खाली करो, आगे चलो, ये कुछ का पार्ट आ गया फिजिकल, आए आंसर आप आए 99, ये लो जी केमिस्ट्री खत्म होने में आ गई, वो तीन जो करेक्शन केमिस्ट्री में आए हैं वो अभी जाके आप सही कर देना ताकि दिक्कत नहीं। हाँ सर, ये रेडॉक्स का है बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया है, तो इसमें बैलेंसिंग करने के लिए पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हम लिख लेते हैं +6 है, यहाँ पे +3 सामने क्रोमियम गया +3 में और सल्फेट में सल्फर चला गया +6 में, सॉरी यहाँ पे +4 है,
तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया 6 से 3, 3 का चेंज आया, लेकिन 2 क्रोमियम है तो चेंज आ गया 6 का, क्रोमियम के लिए चेंज आ गया 6 का। सल्फर के लिए अगर बात करें तो पहले +4 था और अब हो गया +6, तो 2 का चेंज आ गया। टीचर्स की आवाज कम आ रही, आवाज दिक्कत है, क्वेश्चन देखो एक बार सुन कर बाहर जाके जल्दी जाए तो आप बाहर जाके सुन के लाइव में जाके आवाज, तब तक आप कंटिन्यू बोल रहे बैठा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +3 हो गया, तो 3 का चेंज हुआ, लेकिन क्रोमियम जो है वो 2 है। अपन बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, तो पर मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज आ गया। सल्फर +4 में था और +6 में गया, तो 2 का चेंज आ गया। तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना था, यहाँ पे 6 लिखना था, तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1 आएगा, और सल्फाइड का जो मल्टीप्लाई आएगा SO32- का, इसका मल्टीप्लाई आएगा 3। आंसर तो इससे ही आ गया है, 1 और 3, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये आंसर है, आंसर बताना पड़ेगा एक बार। ओके 100 क्वेश्चन पे आ जाए, देख किसका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का आए विशाल जी आप ही आ जाओ, दोनों साथी मिलकर इसको समाप्त कर दो इसको। मल्टी स्टेप क्वेश्चन है बेटा, तो यहां पे पहला स्टेप प्रोडक्शन का होगा, तो प्रोडक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन का है, एलिमिनेशन में इसको कन्वर्ट कर देगा एथीन में। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड स्टेप है HBr का, मार्कोनी को ऐड करेंगे इसके ऊपर, अपन मार्कोनी को की जरूरत ही नहीं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे CH3CH2Br ब्रोमो एथेन बनेगा, और ब्रोमो एथेन और ब्रोमो बेंजीन इन दोनों की एक नेम रिएक्शन होती है NCERT 11th का फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, वुड्स फिटिंग। तो वुड्स फिटिंग में अपन गए तो फिनाइल और इथेन दोनों अटैच होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो कौन सा, फोर्थ। जो साथी केमिस्ट्री रह गए उनका परिचय करा देते हैं, जो साथी रहे केमिस्ट्री के आए प्लीज आ जाए, मैं आपको बता दूंगा। आप कब से पढ़ा इस इंडस्ट्री में? 13 साल हो गए सेल्स अभी जुड़े हैं। आपका नाम सर? मेरा मुकेश खली। मुकेश शर्मा जी थैंक यू सर, स्वागत है आपका सेल्स टीम में। सर आपका नाम? गोपाल जी। आप कब से सेल्स में? मैं 21 साल जुड़ा हूं। कब से पढ़ा रहे हो आप? 7 साल। क्या बात, थैंक यू, नई टीम के लोग हमारे। सर आपका क्या नाम है? गौरव जी। आप कब से पढ़ा रहे हैं? 11 साल अभी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये हमारे हर साल करीब 30-40% नई टीम जुड़ती है हमारे साथ, ये वो लोग हैं जो नई टीम के साथ हैं। लास्ट ईयर की हमारी 100% टीम हमारे साथ काम करती है, 30% अन्य लोगों को एक हमारी साथ टीम बनाई गई है। तो डियर ये हमारा नीट का था सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो की तरह पाते हैं, और सीएलसी का सॉल्यूशन अपना तरीका, मैं खुद साथ रहता हूँ मेरी टीम के, ताकि हौसला अफजा रहती है टीम के साथ, मेरे बच्चे जुड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि बार श्रीराम सर आप जाएँ, वो जो बच्चे यहाँ आए हुए फिजिकली उनके मार्क्स क्या बन रहे हैं, स्कोर क्या बन रहा है, साहिल सर को कह के और उस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन दी जाए। आए तो दोस्तों अब बायो में आते हैं, चलो भाई। तो बायो में सभी साथी आते जाएंगे, जूलॉजी बोर्ड के अपने हिसाब से आप आते जाएंगे, माइक वहाँ से लगता जाएगा और सब साथी चेंज होते जाएं। अब अपने 9 बजे और केवल टिक मारना है, जो क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग है उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को आंसर का वेट है, आंसर क्या आता है। आए प्लीज, और मैं चाहूँगा सर्वेश जी आप एक बार वापस जाएँ और ये पता करके आएँ कि जो हमारा F6 कोड है उसकी वो ओमार तैयार होगी क्या, भरी हुई तो ओमार क्या वो फॉर्मेट वो होगा, तो उसको इधर मंगा ताकि उस स्क्रीन पर दिखा भी दें उसको अपन, ठीक है ना, वो कह के आ जाओ उनको आप आए प्लीज। तो ये हमारा भाई 101 किसका जुलोजिया बोर्ड ने अगले अगले ब्राह्मण सब पंडित जी को बुलाएंगे, आओ मनोज जी आओ, बाबूलाल जी शुभ काम ब्राह्मण से होता, अगले अगले ब्राह्मण आओ मेरे गाँव में कहावत है एक मरने जन्म से लेकर मरने तक पंडित की जरूरत पड़ती है। हाँ भाई हो जाए शुरू, ये हमारे मनोज सर हैं, हाँ परिचय कराऊँ। मनोज सर भी सीएलसी में कब से पढ़ा रहे हैं सीएलसी में? 9 साल या 8-10 साल तो यूं लोग खेल रहे हैं यार ये टीम सीएलसी है, प्लीज आ जाए। Movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by. तो concentration gradient की अगर against जा रहा है तो ATP का use होगा, तो आपके क्या आएगा? Active transport. क्या answer हो गया? Third हो गया भाई, चलो board साफ करो वहाँ से। ये रहा। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, आगे चलें। 102 पे आए। हाँ भाई किसका part है? आपका part है? चलें। Among the Abel quadrant, which one is considered the most important cause driving? मैं चाहूँगा आप ये बता दें किस टॉपिक क्वेश्चन है, टॉपिक बोलते जाएं। ये आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी का टॉपिक है।
इकोलॉजी से आपके लिए है, तो आप एविल क्वाड्रेट जो है फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस जो है इसका मेन आपके क्या होगा, कॉज होगा। तो आंसर जाएगा आपके फोर्थ। थैंक यू, आगे चले क्वेश्चन 103। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट डाइवर्सिटी का। आइडेंटिफाई द पेयर हेटेरोस्पोरस कैरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से आपके हेटेरोस्पोरस आपके कौन है, फ्लैजिनेला और साल्विनिया। आंसर क्या हो गया आपके जाएगा। थैंक यू मनोज सर, आप बैठे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आए भाई अगला क्वेश्चन जूलॉजी का। तो ये हमारे इंद्र सर हैं जिनको मैं प्यार से हमारे पंडित जी बोलता हूँ। कितना साल पढ़ा रहे हैं पंडित जी आप? सीएलसी में 2017 से। 17 से, तो 6 साल हो गई जी। क्या बात है दोस्तों, पूरी टीम रतनगढ़ से है, उस कस्बे से जहाँ मेरा बचपन का स्कूलिंग रहा है। आए प्लीज 104 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन अपने जेनेटिक्स में जो जेनेटिक मैप्स जो है उससे रिलेटेड है, और इसमें जो दो जीन के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, उनके बीच की डिस्टेंस जो उसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट पूछा था कि इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया। तो ये अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट आंसर हो जाएगा, जो मॉर्गन के नाम साइंटिस्ट का। जी जी, वहाँ बोर्ड साफ करने पड़े जी वहाँ से। अगला क्वेश्चन 105 वोट नहीं आए भाई। सर्वेश जी आए, ये हमारे सर्वेश जी हैं जिनको प्यार से हम सब राव साहब कहते हैं। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ? मेरे को हो गए 12 साल। 12 साल हो गए, तो आप इतने तो बुढ़े धीरे यार। देखो दोस्तों, ये 10-12 साल की परफेक्ट टीम है। आप सर्वेश यादव हैं, अप्लाइड बायोलॉजी का कंप्लीट पार्ट आप बहुत ढंग से प्ले करते हैं, खैर सब बच्चे जानते हैं। आए प्लीज 105। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द, टॉपिक बताओ टॉपिक कौन सा है? ये एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है। अच्छा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो टेसल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, जो इस तरह से एक्सपेंडेड है वो क्या करेंगे, जो पोलन ग्रेन्स है उनको रिसीव करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए काम होते हैं। बोर्ड साफ कर लें इससे, ब्रश ब्रश से। हाँ चले आगे चले 105 नेक्स्ट में आओ। 105 हो गया ना, तो 106। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट ये इकोलॉजी बाबूलाल जी बताएंगे यार। बाबूलाल जी आओ, प्रभु आओ बाबूलाल जी। बाबूलाल जी नहीं बाबूलाल जी ऐसे फिर तो शाम को जाने के बाद परेशान करेगा तुम। बाबूलाल जी वो व्यक्ति हैं साहब, यदि बाई चांस नहीं करवाएंगे तो फिर इस लाइव के बाद इनको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। एक बार ताली बजाएं बाबूलाल जी के लिए। बाबूलाल जी जल्दी करें, लेकिन लाइव चल रहा प्रोग्राम थोड़ा सा, अब थोड़ा परिचय कराया। ये हमारे बाबूलाल जी हैं जो प्रभु के नाम से फेमस सील सिंह। कितना लोग आपको सील सिंह में? तो मैं धन्य हूँ कि 11 साल से आप मेरे को झेल रहे, मैं आपको झेल रहा हूँ। ये समझ सकते हैं रिश्ते भाई, हमारे अलग तरह रिश्ते हैं। हम एक कॉर्पोरेट कल्चर के लोग नहीं हैं, हम एक बिल्कुल शिक्षक हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक। एकमात्र संस्था है जिसका डायरेक्टर लास्ट 2 महीने जगता बच्चों के साथ रात को 12 बजे तक। ये मैं नहीं कहता हूँ, फेसबुक के लाइव का हमारा प्रमाण है। प्रभु आप बताएं इकोलॉजी का। बताओ एबीसी ए सही बी सही सी सही। थैंक यू सर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 107। हाँ जी किसका भाई? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज वेबर ए असर्शन एंड द अदर इज वेबर रीजन आर। लेटवुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो एसर। तो ये हर्ट जैसे बॉटम वुड का है। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, तो विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, स्प्रिंग में मोर एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। थैंक यू बोर्ड साहब करें। बाबूलाल जी 108 पे आए भाई, क्वेश्चन नंबर 108 पे आए। जगदीश जी, जगदीश जी क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 100 है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट व्हिच सबस्टेट ऑफ प्रोफेज। तो आप समझ सकते हैं पैकाइटिन होगा, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट, क्योंकि क्रॉसिंग और कभी होता है। थैंक यू बाबूलाल जी, अगले साथी बुलाएंगे आप बोर्ड साहब। 109 नंबर पे आए भाई, 109 नंबर किसका भाई? जुलो जी आप वोट नहीं, आए आए ललित सर आए। बिल्कुल सभी साथियों से हम गो थ्रू होंगे, हमारे पास ये पूरी टीम है, सबका नंबर ही नहीं आएगा। आप ललित सोनी सर हैं, आप भी सीएलसी स्टूडेंट रहे हैं, कितने सालों के लिए सीएलसी में आपको? नौ साल से, देखो 8-10 साल कॉमर्स ललित सोनी है। आए प्लीज। ये क्वेश्चन यहाँ पर सेल डिवीजन का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व
डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का जो डिवीजन होगा बेसिकली वो कैरेक्टर यहाँ पे होगा एनाफेज का माइटोसिस में और एनाफेज सेकंड का मियोसिस में, तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। 109 हो गया, चलो आगे बोर्ड साफ कर ले। 10 किसका है? हाँ, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब अपने वो जो डीएनए है उसको प्रेसिपिटेट करना है तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया डीएनए का करते हैं। सही है भैया, साथियों सब जान दे भाई, आगे चले। चलो नेक्स्ट साथी आए, 111 क्वेश्चन है, नेक्स्ट साथी आए 111 क्वेश्चन पे। ये किसका है भाई? बोटनी का है। आए हमारे चौहान साहब आ रहे हैं, जो हमारे बहुत ही एक बहुत ही मजबूत प्लेयर हैं हर तरह से, मेंटली और फिजिकली भी। चौहान साहब किस साल से प्रेसिडेंट में आप? 8 साल। तो यार कल किसी बातें लगती है, 8, 8, 9, 9, 10, 10 साल सभी को हो गए। आप गणेश चौहान सर हमारे ग्वालियर, पता है प्लीज। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें फैमिली फार्मेसी को डिफरेंशिएट किया जा रहा है सोलेनेसी एंड लिगेसी से। विद रेस्पेक्ट टू द स्टेमेंस, यहाँ क्या बात है कि फैमिली के स्टेमेंस के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है। आउट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक ऑफ द फैमिली फार्मेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिगेसी, इनमें नहीं है फार्मेसी में, वो कौन सा करेक्टर होना चाहिए? तो सीधी से यहाँ पर तो आंसर सीधा बनता है 4। फोर्थ आंसर कर दिया जाए भाई, सीधी सी बात है कि थोड़ा हमें आंसर पे जाना चाहेंगे कि लॉजिक तो कल इसका दोबारा वीडियो बना देंगे, आज बच्चे की इच्छा क्या है उसको आंसर मिले। तो आंसर अगला क्वेश्चन पे है, 112 में क्या है? ये आपका ही क्वेश्चन है, करेक्ट। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंस, देखो हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना था, फ्रेग्रेंस एक्चुअली इंसेक्टिवोरस जो एंटोमोफिली होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन उसी में कैरेक्टर पाया जाता है। यहाँ कंक्लूजन की बात ये थी कि बर्ड में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं लेकिन फ्रेग्रेंट नहीं पाई जाती है, इस वजह से हमारे लिए सीधा करेक्ट आंसर फोर बन रहा है। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आए, 113 पे आए, ये किसका पार्ट है जगदीश जी? 113, हाँ भाई बोट नहीं, हाँ बताएं, आप भी बताएं। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, जिब्रेलिन से लिया गया है ये, और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉनिफर्स जो प्लांट होते हैं उनकी जो जुवेनाइल स्टेज है उसे फेस्टिव करके उसको ओवरकम करके सीधे मैच्योरिटी पीरियड पर लाया जाता है, तो इसमें सीधे सीधे जिब्रेलिन का यूज होता है जो उसके जुवेनाइल स्टेज को रिड्यूस करके सीधे उसके एडल्ट फॉर्म को लेकर आती है। थैंक यू चौहान सर, बैठे। नेक्स्ट साथी आए हमारे इधर से, चौहान साहब इस तरफ से आए। अगले साथी आप अभी, आप वैसे पुराने प्लेयर हैं, कितना साल पढ़ा रहे हो आप? 21 साल। 21 अभी आप जुड़े हमारे साथ, बिल्कुल सर स्वागत है आपका। पूरा नाम क्या है? व्यक्ति बाबूलाल जी के गाइडलाइन में एक और व्यक्ति हमने बोटनी टीम में हमारे साथ जोड़ा, प्लीज बताए। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम प्रेजेंटेशन, ये आपका मॉर्फोलॉजी से है, इसपे दिखाना है कि एग्जाम प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊपरी सेक्टर लगे होते हैं, यहाँ पर होते हैं, तो वो कहाँ का पाया जाता है? इसमें आपका चाइना रोज जो है, पेटूनिया है, और लेमन नींबू जो है, उसमें एग्जाम प्रेजेंटेशन होता है। हो गया जी। 114 में क्वेश्चन नंबर आंसर कौन से थे? वापस आना, वापस आ, 100 आ जाएगा पीछे, वहां से वापस आ रहा, 114 वापस, 114, हाँ कौन सा आंसर होगा? थर्ड। चलो आगे चले, 115 में। Among eukaryotes, replication of DNA take place, direct question, direct answer, S phase जो होता है जिसे हम कहते हैं synthetic phase, जहाँ पे जो DNA replicate होता है। यार एक साल, एक बार ये G1 G2 गड़बड़ गया था ना, हाँ मैं इसीलिए लाइव मुझे घूम रहा था, मुझे मैं विशिष्ट आदमी हूँ, वो G1 G2 में गड़बड़ 19 में हुआ था, आर्यन गलत हुआ था, वो आर्यन उस चक्कर में 5 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए थे मरने। चलो सर कौन सा आंसर, रुको आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। चलो आगे चलो, आगे चलो भाई। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, जिसे हम कहते हैं C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक CO2 फिक्स करने के लिए आपको 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच2 चाहिए, आपको ग्लूकोज बनाना है तो C6H12O6 यानी 6 लाइन बनानी पड़ेगी, तो 6 × 3 तो आपका हो गया 18 जो है एटीपी हो गया, एंड 6 × 2 फर्स्ट हो गया जी। थैंक यू पचौरी सर, थैंक यू बहुत बहुत। अगला साथी आए, आप इस तरफ से आ जाएं, जो भी साथी आ रहे हैं वो इधर से अपना के आ जाएं। आओ भाई राहुल मिसाली लगते भैया हमारे, बहुत ही उम्दा प्लेयर, कितना लोग आपको? 8 साल। 8 साल
कल की जवाब सकती है। अगला क्वेश्चन कौन से होंगे, क्वेश्चन निकालने हैं। आई कौन सा इन जीन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए टू होस्ट माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ, यहां जीन गन में मतलब डीएनए को जो कोट किया जाता है तो उसको माइक्रो पार्टिकल्स पर कोट किया जाता है, जो कौन से हैं, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल। आंसर सेकंड बोल साहब पूछा वहां से। तो अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टन। सिंपल सा आंसर है डॉप्सन यूनिट, आंसर 4। क्या बात है, नेक्स्ट अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रूव बाय, क्लियर एनसीईआरटी बेस्ड आंसर है, यहां आएगा अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। थैंक यू। अगले साथी आए हमारे, करण यादव सर हमारे बीच आएंगे, बिल्कुल आप भी एक लंबे समय से। करण यादव कितने साल पढ़ा रहे हो आप? 8 साल। सी एस यू कितने साल हो गए आपको? 6 साल हो गए, क्या बात, मतलब कल किसी बातें लग रही है यार आपको। प्लीज 120 में बेटा। देखो बेटा ये इकोलॉजी का अपने पास में क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दी हुई है, जीपीपी में से आर को घटाना है, एनपीपी आती है, तो आर क्या है, तो आर अपने पास में क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस। थैंक यू बोर्ड साहब, पहले ब्रश से आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में आपसे बात कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, यूकैरियोट में, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है टीआरएनए, 5 एसआरएनए और एसएनआरएनए का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू बोर्ड साहब, करते हैं आगे। ये किसका है, बोटनी? बोटनी है। व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अपने को पता है कि मैग्नीज जो होता है ये अपने पास में तोड़ता है वाटर मॉलिक्यूल को। थैंक यू। 122 में 4 कर दें, आगे चलें बोर्ड साहब करते। ये किसका है फिर, बोटनी है? एक और बता दो आप। तो अपने पास में इन एंजियोस्पर्म द हैप्लोइड डिप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर फर्टिलाइजर एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली आपसे पूछा है, तो हैप्लोइड जो है वो सिनर्जी एंटीपोडल सेल्स होंगी, डिप्लोइड होगा वो जायगोट होगा, और ट्रिप्लोइड होगा जो एंडोस्पर्म होगा, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आंसर अपना सेकंड। चलो थैंक यू। अगला ये जूलॉजी, जूलॉजी का है सर, आओ एस के सेरेंज आप आए, अगला सामान हमारे पास है, चिंता मत करो। अगले प्लेयर बिल्कुल पैड वेड बांध के हुए हैं। आप हमारे एस के सेनी सर है, साल से पढ़ा रहे हो सेनी जी? 20 साल से। और हमारे साथ किस साल से हो? आपके साथ कोचिंग खुली तभी से हैं, हमारे मित्र है भाई। और आपका आपके तो परिवार, आपका खुद की बेटा भी सिलेक्ट, अभी 12th 4 बच्चे सिलेक्ट हो गए सीएलसी से, मेरा बच्चा अभी 2000 भी 12th सिलेक्ट हुआ है बेंगलोर, अभी बेंगलोर। प्लीज बताएं अभी नेक्स्ट वापस का क्वेश्चन, हां 124 ले गए भाई वापस 124। हां क्वेश्चन नंबर 124 जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अपने टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन द फिनोमेनन ऑफ द प्लियोट्रोपी रेफर टू द प्लियोट्रोपी की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी है, जहाँ पर प्लियोट्रोपी मीनिंग एक जीन है जो 2 से अधिक करेक्टर्स को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें हम प्रेजेंस ऑफ 2 एलील ईच ऑफ द 2 जीन कंट्रोलिंग द सिंगल ट्रेड ये नहीं होगा, यहाँ ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी यहाँ पर एक जीन, एक एकल जीन बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को व्यक्तित करता है, मोर देन 2 जीन अफेक्टिंग ए सिंगल करेक्टर, मोर देन 2 जीन 2 से अधिक जीन जो एक करेक्टर को, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील ऑफ ए सिंगल जीन कंट्रोलिंग सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो इसमें बच्चों आंसर नंबर आपका 2 चला जाएगा। हाँ दोस्तों 124 सीख करेंगे भाई, सब लोग सामने अवेयर रहे भाई। 124 में खान साहब 2 कर दें, 124 में 2 नंबर। चलो आगे चले, 125 किसका है भाई? बोटनी आए, बोटनी के साथ हैं, पकड़े जा पाए जो साथी आ रहे हैं वो इस तरफ से आके और इधर से निकले, ताकि थोड़ा सा और तरीके से समझ ले। आए आए इस तरफ से। हाँ प्लीज, आप बगड़िया जी हैं, आप कब से सीएलसी में? 3 साल। 3 साल से पढ़ा है, वैसे अनुभव कितना टीचिंग आपका? 13 साल। 13 साल 3 साल से हमारे साथ काम। प्लीज बगड़िया जी। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट 1 लेबल्ड, इसमें कुछ एआर स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एटीपी यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एटीपी यूज्ड कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसीलिए 2 एटीपी का क्या होता है यूज होता है, इसलिए ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। हाँ भाई सभी साथी अग्री इस बात से, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा 125 का मतलब दोनों सही भी हो रहे, व्याख्या भी कर रहा है। बोर्ड साफ कर ले भाई, चलिए आगे चले 126। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है, इसलिए ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता, तो उसका रीजन हो जाएगा इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका।
थैंक यू, आगे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पीटियोल इलोंगेटेड इन डीप वाटर डाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआर से है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड। इसके अंदर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा इथाइलीन। इसके अंदर राइस प्लांट से रिलेटेड पूछा गया है, सेकंड ऑप्शन आएगा इसके अंदर। थैंक यू, ब्रश ब्रश पे। हाँ, नेक्स्ट, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये बेसिकली जो डीएनए है बायोटेक से रिलेटेड है, और इस डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है उस एमआरएनए के एक्सप्रेस होने के लिए टेक्निक यूज होता है, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। थैंक यू, आगे बोटनी है, अगला ये किसका है? आए सर्वेश्वर, आप आए सर्वेश्वर को भेजें, सर्वेश्वर आप आए, सर्वेश्वर आप आए, तो ये हमारे सर्वेश जी आएंगे। तो ये बोटनी का है, चले बताइए, ये तो 130 मीटर ऊंचा, बोटनी में ऊंचाई कहां से आ गई? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए वापस से। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट है, द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसलेशन कैन लिफ्ट द जाइलम साइज कॉलम ओवर 130 मीटर हाइट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, करेक्ट है। ट्रांसलेशन पुल लिफ्ट सरफेस समटाइम्स 10 टू 15 डिग्री बाय प्योरेटिंग द कूलिंग। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आपको सीधे आंसर पे जाना है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये वाला, ये फोर्थ वो स्टेटमेंट। चलो ब्रश से बोर्ड साफ करें, चले आ गए 130 में। जगदीश जी जागो, ये आप बायोटेक का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल। जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रिय टॉपिक है, डीएनए स्टेंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, ये कैसे कलर के दिखाई देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ब्राइट ऑरेंज कलर। 130 में क्या हो गया, थर्ड। आगे चले पुत्र, बिल्कुल ये डेटाबेस क्वेश्चन आ गया आपका, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट जो है वो कब, कौन सी ईयर में, 1992 में हुई थी। आगे चले, द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकंड हैज एब्जॉर्ब मैक्सिमा एट, तो रिएक्शन सेंटर जो है उसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा वो कितनी होती है, 680, ये आंसर आ जाएगा। चलो बोर्ड साफ करें, ये आ गया अपना डाइवर्सिटी का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए, देखो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ लाइफ साइकिल मोस इज प्रोटोनिमा, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्या है, एनसीईआरटी से, लाइन टू लाइन। The protonema develops directly from spore produced in capsule. तो जो development होता है, जो capsule में जो spore बनेंगे, उनका फिर क्या हो जाएगा, direct development। तो दोनों statement क्या हो गए, correct हो गए। इसका explanation क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसके according आपका answer हो जाएगा fourth। Next, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मीजोफिल सेल, अच्छा क्वेश्चन है। जो मीजोफिल सेल है बेटा वो क्या होती है, परमानेंट सेल होती है। अगर आपको कैलस बनाना है तो क्या करना होगा, उनमें डी डिफरेंशिएशन ताकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट, यस, शाबाश, आगे चले। वापस से क्वेश्चन आ गया, एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। यही क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, प्राइमरी जाइलम में होने चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ये। तो ऑप्शन पे जाओ, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट, और जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, आंसर हो जाएगा थर्ड। श्रीराम बुला के लाए, श्रीराम को बुला के लाए, आगे चले। अब तो अलग आता है, वोट नहीं अलग लगाता है क्या, तो 35 हो गए जो सारे 15 बचे, तो आगे चले भैया, ये किसका पार्ट है, चलो अब आप रेस्ट करें, अगले साथी को आए, आओ वोट नहीं किसको ले आप, हाँ हाँ आप खड़े, आप आ जाए इधर से, राव साहब इधर से, नहीं बाबूलाल जी को जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ, आप हमारे अजय सोनी सर हैं, कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं 4 साल हो गए सर। 4 साल से आप तो पूरे कोटा के से हैं मेरे ख्याल से जी, तो कोटा क्योंकि आप सीकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, शाबाश सर। अभी अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, लेंटिसेल्स आर द लेंस ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल राइट है ए वाला। वार्गिक फॉर्म अरेंज द सीजन द कार्गो हार्ड वर्क, ये भी बिल्कुल राइट है। वार्ग इज द टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू ऑल द टिश्यू। बी बी द्वारा पढ़े सर एक बार, बी क्या कह रहा है, बी बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज द कार्ड हार्ड वर्क, सॉफ्ट होना चाहिए, ये क्या गलत हो गया, यस वर्क द टेक्निकल, घबराओ मत, आप ऐसे घबराओ मत, घबराओ मत, ऑल टिश्यू एक्सटीरियर वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया।
वार द रेफर द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल राइट सर। क्या क्या सही हो गए? पेरिडर्म और सेकेंडरम, बिल्कुल सही है। तो ए और डी, ए और डी, तो सही करते फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर, शाबाश। चलो बोर्ड साफ कर लो ब्रश से, ब्रश 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 पे। हाँ आ जाए, आगे चले। मैच द कॉलम। अब देखो क्वेश्चन एथेसन, क्वेश्चन मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन यहाँ पे लग रहा है बॉन्ड, तो वाटर मॉलिक्यूल तब थर्ड हो जाएगा इसका। एक मिनट, फर्स्ट में थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एक में ही है केवल। सेकंड आंसर हो गया एक का थर्ड। एक मिनट सही चल रहा है। थैंक यू सर, आए बैठे आप, आए तो आपका आए भाई, तो ए में आए बाबूलाल जी। वापस क्वेश्चन निकालें एक बार, एक मिनट वापस क्वेश्चन निकालें, 130 वापस देखें एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 137, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, कोहेजन होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन और वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी ए में सेकंड। तो ए में सेकंड केवल थर्ड में ही है। हाँ अच्छा, सॉरी थर्ड में भी और फोर्थ में भी। हाँ गड़बड़ ऐसे गलती बदमाशी नहीं। एडिशन है कि वाटर का जो अट्रैक्शन होता है वो पोलर सरफेस से, तो ये बी में फोर है, तो इसे फोर्थ हो गया। हाँ, बी में फोर्थ, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। जल्दीबाजी नहीं, जल्दी काम शैतान का भाई, तो गड़बड़ करके ना। चले भाई, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं साथियों? थोड़ा और, ढाई घंटे से लाइव चल रहा है, मैं यहीं सब पूरे लाइव में साथ खड़ा रहता हूँ मेरी टीम के साथ, ये हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है। तो 37 हो गया, अब 38 में हम लोग आए, मैच 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। वैसे तो मेरे हिसाब से मैच वाले क्वेश्चन बाबूलाल जी मैच ज्यादा इजी होते हैं। क्यों भाई? क्यों? मैच में एक एक को पकड़ में आ जाता है ना, तो है ना ज्यादा इजी होते हैं। स्टेटमेंट वाले फिर भी गड़बड़ होते हैं। आए, एम फेज है, इक्वेंशियल फेज आपका हो गया, और यहाँ है जो जीवन फेज, तो जीवन फेज है। ए में देखो पहले कौन सा, ए में देखो ना कौन सा पहले। ए में आपका फोर है, तो फोर के दो है सही। जो G2 फेज है, तो बी ऑप्शन है, तो G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इनएक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, तो ये इसका होगा सेकंड, डी का थर्ड होगा, तो यहाँ पर डी का थर्ड में भी आंसर है। फिर आपका होगा क्यूशेंट स्टेज सी, तो सी का यहाँ पर होगा इनएक्टिव फेज, तो सी का आपका होगा सेकेंड। अब सी का सेकेंड ऑप्शन एक में ही है, सेकेंड आंसर आपका होगा। हो गया, थैंक यू जी, बैठे प्लीज आप। अगला साथी आए, नेक्स्ट साथी आए, चौहान साहब आप आए, चौहान साहब। अगला पार्ट किसका है? जुलोजी का आ गया, आए फिर जुलोजी का बंदा आएगा। हाँ आए, ये जेनेटिक्स है और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सिंड्रोम में है। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा? कैरियर फिल्टर सिंड्रोम से पहला इसमें है, डिसऑर्डर वाज फर्स्ट, वैसे देखो यहाँ पर क्या होता है डाउन 1866, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये दूसरा सिंड्रोम हुआ। फिर उसके बाद में सच एच इंडियल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, ये बिल्कुल सही है। द इफेक्ट इंडिविजुअल इज शॉर्ट साइट, ये फिर गलत हुआ क्योंकि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। यस, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये भी डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हुआ। फिर उसके बाद सच इंडिविजुअल आर स्ट्रेल, ये भी सही है। अब देखो इसमें कौन कौन से हो गए, बी और ई, और बी और ई सेकेंड में, सेकेंड। ये मुझे बताओ बीच लॉजिक कैसे आएगी बोटनी में? ये जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स में से आती है। तो ये आपका आंसर दोस्तों, एक बार मिटाओ, बोर्ड खाली कर लो, बोर्ड खाली करें। 139 में आंसर, बोर्ड खाली भाई वापस लाए, 139 आंसर क्या दें? बी और, तो सेकंड आंसर हो गया, थैंक यू। आगे चलें, वापस क्या 140 वापस आ जाएं, चलें बोर्ड खाली कर लें, आए भाई 140 पे आ जाएं। ये अपने कंपटीशन यानी कि इकोलॉजी का क्वेश्चन है, गॉस कंपटीटिव एक्सक्लूजन है ना, ये प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसी कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट एक्चुअली कंपटीटिव, रॉन्ग हो जाता है। इन जनरल कार्निवोरा आर द, ये करेक्ट है एक्चुअली। इन जनरल कार्निवोरा आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड, यहाँ पर कार्निवोरा अफेक्टेड नहीं होते बल्कि हर्बीवोरा ज्यादा अफेक्टेड होते, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट करेक्ट है और आपका सेकेंड रॉन्ग। इसको फोन कर महेंद्र, महेंद्र को।
एक मिनट जगदीश जी, अरे भाई मान दो ढाई घंटे हो गए ऐसे, मैं भी तो बोल रहा हूँ, बोले आदमी थको मत। 140 में कौन सा आंसर हुआ? सेकंड आंसर हुआ। थैंक यू सर, आगे चले। 141 ये छोटा सा आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अपने ट्रांसलेशन वाले हिस्से से है जहां पर राइबोसोम के स्ट्रक्चर में पूछा गया है क्या क्या होता है। तो यहाँ 80 डिफरेंट प्रोटीन एंड आरएनए की प्रेजेंस होती है, तो इसलिए सीधा ये एनसीईआरटी के लाइन है और फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है। थैंक यू, बोर्ड्स खाली करें। 142 पे आ जाए भैया। नेक्स्ट ये बढ़िया है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी से लिया गया है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही एजिटेज अपने पास आया है। तो यहाँ पर कहा है केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस। अब ऐसे ही ऑप्शन अपन को यहाँ मिल रहे थे फर्स्ट ऑप्शन में, एनएडीपी सिंथेसिस नहीं होता है बल्कि वहाँ एटीपी सिंथेसिस होता है, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फोर्थ। आगे चले। नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन नहीं है। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय द एक्सेसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव द वाटर क्वालिटी। देखो यहाँ गलत हो गया, एक्चुअली क्वालिटी इंप्रूव नहीं करता बल्कि डिक्रीज कर देता है, ये यूट्रोफिकेशन से वहाँ पर जो पानी है वो पॉल्यूटेड होता है उसकी, और अल्टीमेटली हमारे लिए करेक्ट आंसर तो यही बन जाता है। तो वो फुट आंसर क्या फर्स्ट। थैंक यू, बैठे नेक्स्ट प्लेयर को बुलाएंगे हमारे बोर्ड की। दलित जा, दलित सो जाओ भैया। 144 मैच करना बहुत अच्छी लगता है मेरे को, है ना, गुड गुड मिला दो करण, एक तो आ जा, एक लास्ट तो आ जा, 145 में चार हो जा। 144 ललित करा देंगे, 145 आप आ जाओ। करण सर आप आ जाओ इसके बाद। एमएनसेलिज्म के अंदर एक माइनस एक जीरो और पैरासिटिज्म के अंदर एक प्लस और एक माइनस है, तो इसके हिसाब से आंसर इसका हो गया फोर और डी के अंदर फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू, करण सर आ जाओ, हर साथी का हो जाए। करण सर आ जाए, बोलो। वो पड़ा माइक पकड़ा, पेन पकड़ा, घबराओ मत। 145 आ जाओ। तो ये भी वही है, अरे ये खूब किस है इस बार, है ना, दो सही तीन सही है ना, गजब बात है। आए करण सर, बड़े इसको पूरे को। जी वैसे बोर्ड बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, मैन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस। अपने को करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना है, अपन एनसीईआरटी के अंदर ये बिल्कुल लाइनें लिखी हुई है, तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आएगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, तो पहले हो जाएगा बी। फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट, तो सी। फिर इसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, तो एम्पलीफिकेशन पीसीआर में करेंगे डी। और फिर अपने पास में इंसर्शन हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर, तो ए। तो ये हमारे पास में फोर्थ आंसर है। इसी के साथ बोट नहीं, नहीं नहीं सेकंड सेक्शन में हो रहे हैं और हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट 145 चलो 146 में आए भाई, ये कौन है, ये बोटनी का ही है। चलो तो आगे चलो, तो मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, तो अपने को मैच करना है। आयरन जो होता है एक्टिवेटर होता है कैटेलेज एंजाइम का, जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम आता है। ये नया ट्रेंड हो गया आजकल ना, इस तरह मैच करने वाला है ना, दो तीन साल स्टार्ट हो गया। मोलिब्डेनम जो है ये अपने पास में नाइट्रेट एंजाइम के लिए होता है, बोरोन सेल के डिफरेंशिएशन का काम करता है, मतलब एलोंगेशन का काम करता है। तो ये मैच हो गया। अपने पास में ए में क्या हो गया, जो यहाँ पर थोड़ा सही करा इसको प्लीज, ध्यान दे बच्चे भाई, बेटा ये बी बी ने ए है, ये बी है सी ए डी, अब करें बेटा। तो अपने पास में आयरन को अपन ने इससे मिला दिया, तो थर्ड हो गया, जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, बोरोन फोर्थ से मिल गया, सेकंड हो गया आंसर, सेकंड हो गया, सेकंड आंसर हो गया। चलो बोर्ड खाली कर ले, नेक्स्ट अगला साथी आ जाओ, दूसरे साथी पकड़िए आप आ जाओ। इधर से 147 में फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैच करना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर आता है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लाइकोलाइसिस को अपन बोलते हैं ईएमपी पाथवे, एम्बेडन मेयरहॉफ एंड पार्टनर्स पाथवे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है आपके सिट्रेट सिंथेसिस के लिए। ए के अंदर जो है वो आपके सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, तो ए के अंदर सेकंड है, बी के अंदर फोर्थ आ गया इसके अंदर, सी के अंदर जो है वो आपके आ जाएगा इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिया गया तो डी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ दोस्तों सही है, ऑप्शन आ जाएगा। ये साथियों तो जोश में रहो ऐसे क्या। हाँ भाई 147 थर्ड कर दें, चले आगे चलें भाई 148 में। नेक्स्ट असर्शन रीजन, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द, पर वो चार आप लास्ट समाप्त आपसे कराएंगे, चार हो जाओ। एयर करंट, बिल्कुल सही बात है, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ए जो है वो राइट है और आर जो है वो आपके फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हो गया। हाँ भाई बोटने वालों 148 में 140 क्या हुआ भाई, सेकंड सही कर दें, चलो थैंक यू आ जाएं। 149 में अगले साथी आए, बाबूलाल जी आए, बाबूलाल जी आए 149 में, बाबूलाल जी आए, किसका पार्ट है बाबूलाल जी, ये बोटनी का है, टॉपिक कौन सा, एनाटॉमी, एनाटॉमी एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, चलो 149 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वो ए आर का क्वेश्चन है। ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट वेर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम और इंटरनोड ऑफ द सूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडिज लेटर एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो एम्ब्रोलॉजी में आपको दे रखा है कि जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, क्या भैया प्लांट कथन सही है इसका। हाँ बिल्कुल दोनों करेक्ट, कारण करेक्ट है, तो इसका फोर्थ हो गया, ए आर दोनों सत्य है। हाँ। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलो 150 पे आ जाओ, समाप्ति आपके हाथ से करा देते हैं बोटनी की। तो मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो सीधी बात है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट, चार कर दे भाई। थैंक यू बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आए आगे बोटनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिफाइन नहीं है बोटनी। हाँ एक आगे चलो 150, अच्छा एक क्वेश्चन और, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया अभी 150 का, इसे क्या होगा, ये तो हो गया नेक्स्ट, ये हो गया भाई। हाँ 151 आए भाई, एक सेक्शन हो गया, चले 151 पे आए, अगले क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो अब 150 तक क्वेश्चन हमारे हो गए, 50 और बचे हैं। तो ज़ूलॉजी बोटनी अलग से डिफाइन नहीं है, ऐसे मिक्स आती है, अच्छी बात है, बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी बोटनी कुछ होती ही नहीं है, शब्द खत्म करते ज़ूलॉजी बोटनी आज से। चलो जी तो ये हमारे, तो बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे आप, जब तक फाइल खुलती है बच्चों क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कुछ। क्वेश्चन असर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो भी हमारा मटेरियल था लास्ट के अंदर जो बोस ने ब्रह्मास्त्र का जो मटेरियल कराया वो बहुत ही काबिले तारीफ है, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, दंगल से हैं, पार्टेस से हैं, बहुत अच्छे से। और मोटा मोटी बात यह है कि अगली एग्जाम 5 मई को है, बोलो हाँ ना। हाँ तो अब भैया 15 मई को बैच स्टार्ट करेंगे, सॉरी 15 इस मई को, तो 15 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 9 महीने में कोर्स पूरा करेंगे, 3 महीने में कैंप लगाएंगे, 12 महीने का पूरा साइकिल है। नंबर जोड़ लो, डॉक्टर बनना है, कट ऑफ कल डिसाइड हो जाएगी, दूर हो तो बिस्तर बांधो सीएलसी और क्लास ज्वाइन करो। अब कई बार रिपीटर क्या करते हैं, फिर 2 महीने बाद आते हैं, फिर अगस्त में आते हैं, फिर वो वहीं वहीं खड़े रहते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो वापस बिस्तर पैक करें और जितना जल्दी उसका आ जाए दोस्तों, ताकि आपको अच्छी बैचेज, अच्छे क्लासरूम, अच्छे हॉस्टल, सारी व्यवस्था आपको मिल जाए। हाँ भाई जगदीश जी, तो आगे हमारी अब बिल्कुल आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तब तक हम लोग एक बार सारी टीम का परिचय करा देते हैं दोस्तों। एक बार अगली स्लाइड आ रही है, तो सभी साथी लाइन से आते जाएं, एक बार सबका परिचय कराएं। आप हमारे बाबूलाल जी हैं, कितना से सेल से हैं, 11 साल, थैंक यू सर, आए सर, अगले साथी सब आते जाएं, चंदेलिया सर जी, सभी साथी लाइन से आते जाएं। ये हमारे चंदेलिया सर हैं, जुलॉजी की टीम मेंबर हैं, कितने साल से हमारे साथ हैं, 9 साल, मतलब 8 तो कॉमन सी बात हो रही है। थैंक यू सर, हमारे नेक्स्ट साथी आए, हमारा हमारा बिल्कुल लाडला बेटा, मेरा स्टूडेंट भी है, डॉक्टर आयुष, कितना साल से सिलसिले में, 5 साल से, क्या बात है, पढ़ाते 5 साल हुए, 5 साल हमारे साथ हैं, आ जाएं सर, आप अभी नए जुड़े हमारे साथ सर, आपका नाम सर, गौरव भटेजा, आप कब से पढ़ा रहे हो, 7 साल हो गए सर, 7 साल से, अब सिल से आए हो, आप कहाँ से आए हो सर अभी, मैं सर महाराष्ट्र में था इससे पहले, क्या बात, थैंक यू सर, आए आप सर, हमारे पचौरी सर हैं, तो 22 साल से पढ़ा रहे, अभी हमारे साथ जुड़े हैं सर, थैंक यू सर। आए नेक्स्ट साथी हमारे विवेक पवार, हमारा लाडला सेल्स स्टूडेंट, कितना साल से पढ़ा रहा है, 6 साल, 6 साल से, थैंक यू सर। हमारे पाजी हैं, पाजी सर अपना नाम बताएं पहले, तो रणजीत सिंह जी, कितना से पढ़ा रहे हो आप, 8 साल से, अभी जुड़े हमारे साथ आप, आपका स्वागत है सीएलसी परिवार में सर। और ये हमारा लाडला कोटा का स्टूडेंट रहा हुआ हमारा, कोटा टीएस में, मैं ये कोटा टीएस की सेमिनार सुन के जुड़ा मेरे से, आप अपना नाम बताएं पहले, मेरा नाम परमेंद्र सिंह है, परमेंद्र सिंह जी, कितना से पढ़ा रहे हो आप, 6 साल से पढ़ा रहे, अभी जुड़े सीएलसी के साथ फिलहाल जुड़े, थैंक यू सर। आए बेटा आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं सीएलसी में, 2 साल से पढ़ा है, थैंक यू डियर सुरेश कुमार, सुरेश कुमार। और ये हमारा ललित लाडला सा बेटा, कितना पढ़ाते हो इधर को,
टोटल 10 सेल से नौ कुछ तो क्या बात है। थैंक यू सर। ये हमारा मनोज फिर हमारा स्टूडेंट है कितने साल हो गए 10 साल से पढ़ा रहे हैं सीएलसी के साथ आए सर राजेश कशवा हाँ सर आपके साथ पढ़ा रहे हैं 11 साल और सीएलसी में दो साल से। थैंक यू। ये हमारे मिश्रा जी हैं बोटनी की टीम बोटनी क्या बोले बायोलॉजी बोल देते हैं हमें आपको कितने साल हो गए 8 साल हो गए और अभी सीएलसी में 7 साल से हैं। हमारे चौहान साहब हैं चौहान साहब टाइम कुल टाइम कितना पढ़ाते हुए 20 साल में सीएलसी साथ 8 साल हो गए। ये हमारे कर्ण सर हैं कितने साल से हो 6 साल से सीएलसी हमारे साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये हमारे अनिल गोदारा जी मेरे गांव से ही हैं कितने साल से पढ़ा रहे हो 9 साल और सीएलसी में अभी 2 साल से। तो आपको मेरे गांव का पड़ोसी मैंने कहा गांव में घर में पढ़ाना अपने घर की संस्था में आए। ये हमारा महिपाल है तो महेंद्र महिपाल मत है दोनों भाई हैं आप जूलॉजी से हैं आप सीएलसी में पढ़े आप तो 9 से पढ़े हुए शायद ना बी आर स्कूल पढ़ाकर दोनों भाई आप 2007 से जुड़े परिवार हैं मेरे से और अब तो पिछले 2 साल से हमारे साथ सीएलसी के साथ हैं दोनों। थैंक यू। आप एस के सैनी जी मेरे मित्र हैं आपके परिवार के ग्रुप से सिलेक्ट भी हो चुके हैं मेरे साथ शुरू से आप हैं कोचिंग खोलते हो मेरे साथ। थैंक यू सर। हमारे दादी सर हैं सर दिख सर आप कितना से पढ़ा रहे हैं 15 साल से सीएलसी में आपको 7 साल हो गए। थैंक यू सर। आप बगड़िया जी हैं कितने साल से पढ़ा रहे हो सर टोटल 13 साल 13 साल से और सीएलसी में 3 साल से हैं। ये हमारे अजय सोनी जी हैं कुल कितने साल हो गए आपको 15 साल में सीएलसी में 4 साल हो गए। थैंक यू सर। आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं बेटा 2 साल से पढ़ा रहे हैं अभी प्रशांत शर्मा जी। थैंक यू। आए आप शर्मा जी आप कहाँ के हो लक्ष्मणगढ़ के हो कितने साल से पढ़ा रहे हो 5 साल अभी सीएलसी में 2 साल से पढ़ा रहे हो। थैंक यू सर। ये हमारा संदीप डांगी बिल्कुल हमारा कितने साल से पढ़ा रहा है 4 साल से सीएलसी में 3 साल से पढ़ा रहे। थैंक यू। ये हमारे सुनील सर हैं जो मेरे कोर टीम मेंबर भी हैं और आप किस साल से पढ़ा रहे हो 13 यहाँ 8-9 साल हो गए आपका आए हुए आठ। तो आप बाबूलाल जी के अंदर कम रहे हैं इसका मतलब ये हमारी कोर टीम जैसे आप जानते हैं बाबूलाल जी हैं सर्वेश जी हम 3 हमारी फैकल्टी के 3 वो लोग भी हैं तो कोर टीम के रूप में हम इनके हमारे साथ जोड़ रखा है। थैंक यू सर। तो सभी साथियों परिचय हो गया भाई तो ये हमारी टीम थी पूरी एब्सेंट साथ थोड़ा कोई हमारा कोई साथ एब्सेंट भी है क्या भाई हाँ सब प्रेजेंट साथी हैं 1-2 साथी और कोई एब्सेंट भी हो सकते हैं तो ये तंत्र हाँ बुलाओ भाई पंडित बुला के लो ये तंत्र बुला के लाए अभी फर्स्ट क्वेश्चन आए थे यतेंद्र जी बाहर कहीं किसी काम से लगे हुए होंगे आए सर। अब हम आगे चलते हैं फाइल खोली जाए ये लो जी ये फाइल आगे सर ललित जी आप लगे क्या अब बोटनी कृष्ण बोटनी का आ जाओ आए तो 151 से क्यों जगदीश जी यस सर आ जाओ ललित बेटा शुरू कर। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ बायोमोलिक्यूल का है स्टेटमेंट फर्स्ट ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लिंक द लेफ्ट एंड represented by first amino acid and the right end represented by last amino acid. तो यहाँ पर statement हो गया ये wrong. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type. तो यहाँ पर statement क्या ये correct है अपने को पता है तो इसके बाद में इसका आंसर कौन सा हो गया statement first यहाँ पर wrong है third इसका correct answer है। हाँ बेटा क्या हुआ 151 में third बोर्ड साफ करो आगे चलो ये जूलॉजी का क्या क्या हाँ आओ ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम से रिलेटेड है तो देखिए साफ तौर पे पता चल रहा है कि आपसे यहाँ पे बड़ा बड़ा नोट भी लगा दिया कि रेडियल सिमेट्री किन के एडल्ट में नहीं पाई जाती तो साफ है हेमिकॉर्डेटा में नहीं पाई जाती है सबसे आसान क्वेश्चन फर्स्ट आंसर डन आगे चल। अब इस क्वेश्चन को देखिए अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड है तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे नॉन प्राइमेट है ईस्टर साइकिल है कोई गलत कर ही नहीं सकता तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ोगे पहली मेनुस्ट्रल साइकिल को मेनोपोज नहीं कहते क्या कहते हैं मेनार कहते हैं भी गलत हो गया सी बिल्कुल सही है अगर मेनुस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये एक इंडिकेटिव है किसका प्रेगनेंसी का सही बात है और साइक्लिक मेनुस्ट्रेशन जो है मैं कहां से लेके मेनार्क से मेनोपोज तो ये भी एकदम सही है तो बी गलत है ए सी डी थर्ड ऑप्शन हाँ दोस्तों सही है बिल्कुल चलो आगे चलो। अब इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन है रीजन है बिल्कुल सही बात कह रहा है असर्शन के अंदर 2 प्रकार के नेफ्रॉन है और उनकी रिलेटिव लेंथ के बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं कोर्टिकल और जेजी नेफ्रॉन पर आप रीजन पढ़ोगे कह रहा है कि जेजी का जो लूप ऑफ हेनले वो छोटा होता है बिल्कुल ही गलत बात है जेजी का तो लूप ऑफ हेनले क्या होता है बड़ा होता है तो इसलिए रीजन गलत हो गया और असर्शन सही हो गया और ये हमें आंसर मिल जाता है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर ट्रू आर इज फॉल्स सही भाई थोड़ा जोश के साथ रहो भाई हाँ आगे चले। अब इसमें ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ऐसे इस बार एनटीए ने मजे कर दिए कि एक मिलाओगे ऑप्शन तो सारे मिल जाएंगे तो इसमें साफ है अगर आप फोबिया को देखोगे तो यहां पर आपका जो विजुअल जो रिजोल्यूशन होता है वो कैसा होता है मैक्सिमम होता है तो ए में थर्ड आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा फोर्थ में और बाकी की मैक्सिमम यार आगे चलो इस बार सारी ऐसे आए बॉस ये फिर वोट नहीं का आ गया
वोटिंग आओ जी, वोट साथ आ जाए, वोटिंग साथ आ जाए, आओ पचोरी सर आओ, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, 156। हाँ, 156 में बता रहे हैं कि कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसमें सिंपल सी ट्रिक आती है, GERL, गर्ल प्लस वैक्यूल, ये इसके पार्ट हैं, इनके अलावा नहीं है। इसका मतलब इसमें गोल्जी बॉडी, ER और लाइसोसोम वैक्यूल आते हैं, तो क्या नहीं आता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, एंड देन पेरोक्सिसोम नहीं आएगा, तो AC और E नहीं आएगी, तो ACE आंसर आपका जो है वन, ACE, तो यहाँ पे E करना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन हो जाए, टाइपिंग थोड़ा सा देखना, देखना ACE हो जाएगा। 156 देखना जी, 156 क्वेश्चन क्या देखना पेपर भाई, 156 का फर्स्ट ऑप्शन में D की जगह E कर दें, 156 क्वेश्चन दिखाओ भाई, हाँ फर्स्ट ऑप्शन में E आ जाएगा, E आ जाएगा, एक मिनट अभी कोई बात नहीं, ये ह्यूमन जी जी बोर्ड खाली कर रहा हूँ, ये गलती से हो गया, ACE है, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, बिल्कुल ये ठीक कर देंगे, ठीक है 156 पेपर में, पेपर क्लोजअप करें कैमरे को, 156 पे क्लोजअप करें, 156 में दोस्तों ACE है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है जी, क्योंकि अभी जल्दी में प्रेशर में काम करना पड़ रहा था ना, ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट ये ब्रॉड पाम है, सिंगल पाम है, सुनो सर आप आए ओके ओके, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और डिसऑर्डर से हमेशा क्वेश्चन आता ही रहा है यहाँ से, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है डाउन सिंड्रोम का, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चले, नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, जैसा अभी पारिक जी ने कहा था NTA ने मजे कर दिए, वापस मजे कर दिए, कैसे कर दिए आ जाओ देख लेते हैं, पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये थर्ड हो जाएगा और ए का थर्ड केवल फोर्थ, मतलब आपको बड़े मजे मजे होंगे इस बार, और अगर आपको नहीं भी आता है ए का थर्ड तो फिर सी का फोर्थ भी एक ही ऑप्शन है, QRS कॉम्प्लेक्स, इसको आप यहाँ मेजर कर सकते हैं, थैंक यू, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चले, नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपर्ली एज इट इज, लाइन है चैप्टर नंबर 4 12th क्लास की NCERT की, उसमें साफ कहा है हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनेटल हर्पीज, इनको छोड़कर बाकी STD को अगर टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, इसका मतलब आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग मैच, फिर से वही मजे वाली बात आ गई, आ जाओ देखते हैं इसमें भी मजे सब है क्या? पेप्टिक सेल, स्टूडेंट को हम याद भी करवाते हैं, पेप से याद कीजिए पेप्सिनोजन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। आगे चलो, बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, आगे चलो, नेक्स्ट AR का एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, नो डाउट अच्छा कंसेप्ट है, इनडायरेक्टली देखें तो रीजन सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन जब जब भी AR के सवाल पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका परफेक्ट रीजन क्या जाएगा, वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, थिकंड होनी चाहिए, तब जाकर इसका एग्जैक्ट रीजन बनेगा, वो बात अलग है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा तब जाकर वेस्कुलरिटी बढ़ेगी, ज्यादा सप्लाई मिलेगी, ज्यादा थिकनिंग आएगी, वो एक अलग कंसेप्ट है, अप्रोच तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली अप्रोच कर रहा है लेकिन करेक्ट रीजन नहीं जाएगा, इसलिए असर्शन ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन में, येलो कलर की बॉडी कन्वर्ट हो जाती है व्हाइट कलर की बॉडी में, ये बात भी ठीक है, इसका मतलब ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर चला जाएगा इसका नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर 1। हाँ दोस्तों 16 तो फर्स्ट कर रहे हैं, यस चलो बंद, हाँ एक वो F6 कोड की वो की का बन गया फॉर्मेट तैयार हो रहा है, आप जाए मिस्टर खान उसको कंप्लीट करके या मेल करते दिखा दें एक बार अपन, ताकि बच्चे उसको मिला लें, बोटनी आए, बोटनी आए, चलिए सर आए, चलो भाई ये बोटनी बीच में कैसे आ रही है, बायोलॉजी, हाँ आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा इनमें क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यहाँ वेक्टर है, PBR 322 भी है, BAC भी है, प्रोब यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, चलो आगे चलो पुत्र ध्रुव जी आओ भाई, भाई पला बेटा यहाँ पे सही है क्या, यहाँ भी एक मिलेगा नहीं,
मैच दी लिस्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम में दूसरी तरफ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिगार्डिंग आपको देखना है, प्लेटियल मेंटिस का मेंबर है, प्लेम सेल्स जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक थर्ड से चलो आगे, चलो बोर्ड साफ कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना है, लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर, इररेगुलर की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, कार्टिलेज आर इज डेंस इररेगुलर, स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी इनकरेक्ट हो गया। दोनों स्टेटमेंट से रिगार्डिंग अगर आंसर की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। थैंक यू। नेक्स्ट बंदा है हमारा 165, किसका भाई वोट नहीं आ जाए, मनोज शर्मा आओ भाई, एक बात है मनोज शर्मा को लगाओ, मिसाइल इसको दे दो। हाय, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल, तो आपके क्या करता है साइटोस्केलेटन, मोर्टेलिटी, आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट फिर है आपके जेड वाई ए, तो जेड वाई ए को मैच करोगे तो ए जो है वो आपके आएगा क्या ट्रांसएसिटाइल एज, बी जो है वाई जो है वो आपके लिए आ जाएगा काय के लिए परमिएज, और आपके सी जो है उसमें आप कह दोगे क्या किसके लिए आएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और जीन जेड जो है वो आपके किसके लिए आ जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो आंसर आपके हो जाएगा क्या फर्स्ट। आगे चले बोल खाली बोर्ड बोर्ड। नेक्स्ट किसका है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे आपके क्या आएगा टॉक्सिकेंट की आपके क्या है कंसंट्रेशन का बढ़ना आपके क्या कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन, तो यहां आंसर आपके जाएगा कौन सा फर्स्ट। आगे आए भाई, आए बोलना जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स से और पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स के बारे में बात हुई, इसमें बोला गया कि कौन सा सिंबल जो है वो करेक्ट सिंबल बता रहे, तो फर्स्ट सिंबल जो है उसके अंदर बताया गया है कि जो मैरिज है उस मैरिज के बारे में बात की गई है, और मैरिज में भी रिश्तेदारों के बीच में, ठीक है, तो रिश्तेदारों के बीच में बात आती है ऐसे, और डायरेक्ट मैरिज की बात हो तो ये सिंबल शो करता है। हो गया जी, कौन सा बेटा, वन वन पिछड़ा 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 फर्स्ट पिछड़ा 168 में फर्स्ट सही है। ओके 169 लो। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जिसमें बात की गई स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच के वॉल की कपाट की, तो सिक्कम और इलियम के बीच का जो कपाट होता है उसको अपन इलियोसिक्कल वॉल कहते हैं, जो फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, तो इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसके अंदर ये बात की गई है कि किसी भी डिजीज को अपन अर्ली स्टेज में पहचान सकते हो, अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजेंस का नंबर ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, तो कम कंडीशन में अपन यूरी सीरम और यूरिन एनालिसिस से बात नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात की गई कि कौन से जो है ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है शुरुआत में किसी भी रोग को पहचानने के लिए, तो ब्लड सीरम और यूरिन जो है उन दोनों के अंदर शुरुआती दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम पैथोजेंस का नंबर होता है, इसलिए अपन इससे नहीं पहचान सकते। डज नोट पूछा गया, इसलिए फर्स्ट हो गया। चला जाएगा भाई फर्स्ट। चलो आगे चलो भाई, आ जाओ बोटनी, आ जाओ भाई, आए सर आप आए। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से पहला स्टेटमेंट है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। तो ये एक बहुत सिंपल सी लाइन है विच इज करेक्ट, जो हमें पहले से ही पता है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, बट जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिग्रेड हो जाती है। जब इसके रीजन, इसमें स्टेटमेंट सेकंड दिया, रीजन नहीं दिया सॉरी, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट, मतलब जब एक इनहिबिटर सबस्ट्रेट को काफी क्लोजली रिसेंबल करता है इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बेटा जब वो स्ट्रक्चर मतलब वो उसके जैसा लग रहा है तभी वो उसकी एक्टिविटी को कॉम्पिटिटिवली रोक पा रहा है। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, राइट, फोर्थ आंसर जाएगा इसका। हो गया फोर्थ, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट आप आए जो अपने पास में क्वेश्चन है 172, वो मूवमेंट और लोकोमोशन में अपने पास में जॉइंट का क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो प्रेजेंट होगा अपने पास में वो हायलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं अपने पास में वर्टिब्रेट के अंदर,
बाल एंड सॉकेट जॉइंट होगा वो प्रेजेंट होगा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के अंदर, तो ए में जाएगा अपने पास में सेकंड, बी में जो होगा वो होगा अपने पास में फोर, फाइबर जॉइंट होगा जो होगा अपने पास में स्कल्स की सुच्योर्स के अंदर प्रेजेंट होगा, तो सी में जाएगा फर्स्ट, ए के ऑप्शन है इसके अंदर जाएगा अपने पास में 172 में फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रश 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 173, ये जो है अपने पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 3 का है 12th क्लास का। वाज डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स टू यूरेथ्रा एज द इजेक्यूलेटरी डक्ट, ये ऑप्शन अपने पास में क्या है राइट है। द कैविटी जो अपने पास में सर्विक्स की कैनाल होती है और वजाइना दोनों मिलकर अपने पास में बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेंगे, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, तो इसमें जाएगा अपने पास में थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। हाँ भाई 173 में क्या हो गया, फोर्थ फोर्थ आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, इन विच ब्लड आप आ जाओ आप आ जाओ रेप्लिकेशन प्रोडक्ट्स प्रोजेनी वायरस, तो वो होगा अपने पास में टी हेल्पर सेल्स। चलो 174 में फोर आए, हो गया पूरा 174। चलो आगे 175 पे, हाँ इसमें देखिए 175 में ये भी हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड है, इसमें ड्रग्स का दे रखा है फर्स्ट हेरोइन, हेरोइन स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैरिजुएना, एक ही हो गया, हाँ ए में सेकंड एक ही हो गया, तो उसके हिसाब से आंसर, हाँ फोर्थ आंसर हो गया इसका। चलें आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, इसमें वाइटल कैपेसिटी VC पूछा है, तो VC होती है IRV प्लस ERV प्लस TV, तो इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो गया भाई, yes। आगे चले भाई 178 77, सॉरी हाँ हाँ, इसमें इवोल्यूशन से क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, तो एडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड जो है वो कौन से रहेंगे, न्यूम्बेट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, फर्स्ट ही हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ये तीनों ही एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं। थैंक यू। 178 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड, सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन, ये पेनक्रियाज पे भी काम करता है और गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है, तो करेक्ट इसके अकॉर्डिंग मैचिंग होगी पेनक्रियाज। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे फंक्शन करेगा, थर्ड ANF एंटीयूरेटिक फैक्टर, फोर्थ हो गया फिर आपका, फोर्थ हो गया इसके अकॉर्डिंग आंसर फोर्थ, आगे चले आगे चले। ये तो नहीं सर है, आओ 179 पे, 179 जो है वो दो स्टेटमेंट वाला है, तो एमनियोसेंटेसिस असर्शन दिया है कि एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ये वाला इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना, तो जो फिटस है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, बाकी फीमेल जो चाइल्ड है उसकी डेथ ज़्यादा हो रही है इस रेस्पेक्ट में उस पर बैन किया गया है, तो ये वाला सही है, तो ए रॉन्ग है और आर जो है वो करेक्ट है ना, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 173 हो गया, चलो ये तो वही हो गया, वो जो किशोर प्रेम उसमें था वो अबॉर्शन वाला वो इलीगल लीगल वही किशोर हो गया, तो आप अगला कर दे, अच्छा बोट नहीं आ गया सर, बोट साफ कर ले, ब्रश ब्रश देखो ब्रश, हाँ आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180 को। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट दिया हमारे सामने RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है, हम जैसा कि हम जानते हैं कि RNA ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या होगा वो म्यूटेट होगा, बिल्कुल स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा देखते हैं, वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल सही कह रहा है, जो वायरस होते हैं उसमें RNA होता है और ज़्यादा म्यूटेट करता है, इसलिए वो अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा चौथा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थैंक यू, आ जाए अब्दुल जी वापस आ गया क्या, ओके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वैसेक्टोमी जो है उसके अंदर सर्जिकल मेथड हो गया, तो A का 3, और कोइटस इंटरप्टस जो नेचुरल मेथड है तो B का 4, और B का 4 फर्स्ट आंसर। आगे चले 182, ओके 182 वही दो स्टेटमेंट वाला है और बॉटनी से रिलेटेड है, बाबूलाल जी देखिए स्टूडेंट, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट, तो करेक्ट है ए, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड हो गया, मतलब सेंस कॉन्सेप्ट, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग, तो ये गलत हो गया,
क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं, और तो कथन फर्स्ट तो सत्य है, सेकंड असत्य है, तो आंसर हो गया सेकंड। क्यों भाई सुनील सर, 182 में दो आगे चले, 183 किसका आ गया? इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली, ये यही रॉन्ग हो गया बस, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, के लिए तो यहाँ ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया और सेकंड सही है। इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग, हां तो थर्ड हो गया आपका इसका, हां थर्ड हो, क्यों सर चलो आगे चलो बस। 184 किसका है? जूलॉजी, आए महिपाल जी आए, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, दोनों के अंदर देखना है। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है उसके अंदर दिया हुआ है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म की बात करें, दांत की बात करें तो इसको मैच कर दीजिए ट्राइकोफाइटोन से, फाइलेरियासिस की बात करें तो इसको मैच कर दीजिए वोचेरेरिया ब्रैंकोप्टाइ से, मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो है, न्यूमोनिया की बात करें तो हीमोफिलस से। ए के अंदर सेकेंड, बी के अंदर थर्ड वाला, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ए के अंदर सेकेंड, बी में थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, सी की अगर बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ है फोर्थ, फोर्थ आंसर आ जाएगा। हाँ भाई 184 कौन सा करें भाई, फोर्थ आगे चलो 185 नेक्स्ट साथी आओ आ जाए। फ्रेंड्स बड़ा ही लवली क्वेश्चन था और इकोलॉजी से है अपना, लेपर्ड और किसकी बात कर रहे हैं वो, लायन की, क्या करते हैं वो कंपटीशन, कुकू और कौए की कहानी ये तो जानते ही हम, ब्रूड पैरासिटिज्म, फंजाई और आपका माइक्रोराइजिया एक दूसरे के लिए, म्यूचुअलिज्म, लास्ट है आपका कैटलीग्रेट और कैटल गाय और उस पे तो एक में एक, दो में दो, तीन में चार में चार, दैट्स व्हाई आई सेड लवली, जो है यार ये ओके थैंक यू थैंक यू। अगला है, अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट बेसोफिल्स नहीं होती, न्यूट्रोफिल्स होती, स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट के लिए बोला गया बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में बोला है बेसोफिल्स हैव किडनी सेट न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत हो गया। बेसोफिल्स आर एग्रेनुलोसाइट, बिल्कुल गलत हो गया। अब आपको करेक्ट देखना है बी और सी की बात करें तो आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड। थैंक यू, नेक्स्ट बंदा है, अगले साथी आए, सबको मौका मिल जाए। 187 निकालें भाई, 187 जूलॉजी का पार्ट है, आए अनिल जी आए, तो बस 13 क्वेश्चन बचे हैं, तीन घंटे अपने लगे सोल्व करते करते हैं, तो बच्चों लगने लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया मास सेल, तो अपन सभी जानते हैं मास सेल जो होती है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स की इनर सरफेस जो होती है वो सीलिएटेड एपिथीलियम से होती है, तो इसमें फर्स्ट आ जाते ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो हो गया ए में फर्स्ट, बी में सेकंड आंसर हो गया ना, क्यों भाई हो गया, आगे चलो 189 क्यों निकल तो क्या आगे 189 आ जाओ, एक मिनट ये पिछाना पिछाना वापस, ये यहाँ खड़े थे क्या अपन, ये 187 हो गया ओके 188 पे आओ, हाँ ये किसका भाई, अब बोटनी आ जाओ आप आ जाओ विवेक सर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अपन को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन, करेक्ट देखना है। During the anaphase, the centromeres splits and chromatids splits. Separates. Terminalization take place during the pachyteen. ये भी wrong हो जाएगा. Nucleolus, Golgi complex and ER reformed during the telophase. ये correct है. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. ये भी wrong है. बस तो इसके अकॉर्डिंग अपना हो जाएगा, क्या पूछा इसने, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, हाँ भाई बी ओ डी, आगे चले नेक्स्ट। दोस्तों कॉकरोच से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है लोग तो के सिलेबस में नहीं है, एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट व्हाई, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग अगर बात करें तो पहला दिया गया है फेलिक ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड नहीं होती बेटा, उसके बाद में बोला है यूरिकोस ग्लैंड, बिल्कुल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर काम करेंगे। नेफ्रोसाइट की बात करें तो ये भी होती हैं, फैट बॉडीज की बात करें तो कॉकरोच के अंदर ये भी होंगी, कोलेट्रियल ग्लैंड की बात करें तो ये नहीं होती। अब बी सी और डी से रिगार्डिंग ऑप्शन देख लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड वाला। थैंक यू 189, अगला साथी आ जाए 190 में, किसका है ये क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी से है, इसमें टू स्टेटमेंट हैं, ड्यूरिंग द जी जीरो फेज सेल साइकिल इज नॉट इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं एक्टिव होती इसलिए रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, सेकंड दे रखा है।
द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज इन इंटरफेज, ये राइट स्टेटमेंट है। और पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट राइट हैं या रॉन्ग है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, तो थर्ड आंसर। थैंक यू सर, आए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। जुलोजी आप बोलते हैं, जुलोजी आए 191 पे। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में पूछा है, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल, ये बात कर रहे हैं नर्व कॉर्ड की, बिल्कुल होती है, लेकिन सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये बात होगी गलत। डबल होती है, कैसी होती है, डोर्सल होती है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। अपने जो ये करेक्ट पूछा है, करेक्ट पे ही जाना है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जोड़े के रूप में पाई जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, नहीं, हमारे वेंट्रल साइड में हर्ट पाया जाता है, ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन स्यूडो सिलोमेट नहीं, हम यू सिलोमेट कहलाएंगे, ये हो गया रॉन्ग। बी ऑप्शन सही हो गए, अपना आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आगे चले 192 में बोटने आए बाबूलाल जी। देखिए स्टूडेंट, फिर 192 इकोलॉजी का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर होती है, तो ए का क्या हो जाएगा सेकंड, और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड रिसोर्सेज के हो गए, ठीक है। फिर आप जानते हैं एक्सपेंडिंग एज, ये सेम है, और स्टेबल एज ये भी सेम है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4। अभी आंसर क्या करना है इसका, अभी चार। चलो बोर्ड साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बोटने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रेन, तो उसी के आइडेंटिकल होता है, और यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर यू की जगह क्या सही है, तो सेकंड ओके लगाओ 193 का 2। आगे चलो 194 में आओ, जुड़ो जाए भाई। विच आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और ये एक वैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे मजाक मजाक में बता भी दिया जाता है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पर नो डिफरेंस साफ साफ आपको बताए जाते हैं, उनमें से एक बात बताई जाती है, स्टाइल कौन मारता है, मेल, स्टाइल कौन मारेगा, मेल, यही बात इन्होंने पूछी है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का कौन सा हो जाएगा, एनल स्टाइल, डायरेक्ट अप्रोच हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बच्चों को एग्जाम में वो ट्रिकी याद आती है जो क्लासरूम में। 95 में विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल की बात की है इन्होंने, मसल बंडल एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन बीच में एक स्किप कर गए, बीच में एक चीज खा गए और डायरेक्ट अप्रोच कर गए नेक्स्ट लाइन को, मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड, क्या कहलाती है, फेसिकल्स बोल दिया, उन बंडल को फेसिकल्स कहा जाता है, उनके बाहर की कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को फेशिया कहा जाता है, स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम प्लस टू आयन का बिल्कुल स्टोर हाउस है। स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल इज ड्यू टू स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन और मायोसिन, हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। एम लाइन ये कंसिडर्ड नहीं है फंक्शनल यूनिट, वो सार्कोमियर कहलाएगा, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, ये हो गया गलत, आंसर चला जाएगा बी एंड सी। अपने को सही है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट द यूनिक मेमेलियन करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो हेयर का होना, पिन्ना का पाया जाना, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्टली अप्रोच कर गया, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और भी देखने को मिलता है, मोनोकोंड्रियल की स्कल भी सही हो गया इसका। चलो आगे चलो 197। नॉट ए एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है, तो हम बात करें एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, बिल्कुल एडवांटेज है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाते जाएंगे तो जो जीन काम की नहीं है वो कंटिन्यूअसली एलिमिनेट होती चली जाती हैं, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, ये फिनोमिना भी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये बात हो जाएगी रॉन्ग, तो आंसर अप्रोच हो जाएगा 4। चलो आगे चलो। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, नर्व सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है, द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर, और इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, एनसीईआरटी की लाइन है। थैंक यू। 199 पे आगे चलो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट देखना है अपने को, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर नहीं एक्टिवेट करेगा, ऑफ नहीं करेगा, ADH फैसिलिटेटेड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट दी डायूरेसिस, नेफ्रोनिक पार्ट पे जाके एक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। ANF कोजेज वेजोडायलेशन, बिल्कुल करवाएगा, और ADH कोजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ADH रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग
GFR, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो अपने को करेक्ट देखना है, इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना BC और D। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन किसका है? जूलॉजी। जूलॉजी, इतने बाद आ जाओ भाई, आप समाप्त कर देते हैं, आ जाओ। तो 200 का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और F6 कोड की आगे मेरे पास। अब हमने F6 कोड की अपने सोशल मीडिया अपलोड कर देंगे, एक बार उसको दोबारा चेक आप प्लीज। आप क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन जो है वो थायराइड के फंक्शन से रिलेटेड है, और नोट पूछा है, नोट अंडर द, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, BMR को भी कंट्रोल करता है, ये मिलेटोनिन का रोंग हो गया ना, और इम्यून सिस्टम जो है वो थाइमस से रिलेटेड है, तो ये वाला भी रोंग हो गया, बाकी RBC सपोर्ट वाला सही है ना, तो नोट पूछा तो नोट के अकॉर्डिंग C और D सेकेंड आंसर हो जाएगा। हो गया, थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। स्लाइड निकाल दी जाए, तो डियर ये आपका सॉल्यूशन हुआ। F6 की स्लाइड दिखा जाए, F6 की मास्टर की दिखा दो, आप इसको पोज करके और भी आप उतार सकते हैं एक साथ। F6 की बिल्कुल मेल आई हुई है, तो मेल को ओपन कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से मेल ओपन कर दे। F6 हम लोगों ने अपलोड किया है, इसको आप ऐसे नहीं, एक साथ पोज कर दे, आप बस आराम से स्क्रीन शॉट ले लेगा। ये F6 है, F6 का हमारा है, ये हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं जाके। तो डियर ये आपका F6 का कोड हो गया। ओके थैंक यू। तो इसी के साथ आज का ये लाइव सेशन नीट 2023 की बात पूरी करते हैं। बस दोस्तों अपने मार्क्स मिलाएं, जोड़ें, कट ऑफ की बात करें तो मोटा मोटी एक कट ऑफ वही रहेगी, क्यों दोस्तों लास्ट जो कट ऑफ थी वहीं कट ऑफ रहेगी, तो नंबर जोड़ लें। यदि आपको डॉक्टर बनना है और कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि नीट 2024 की डेट दोस्तों 5 मई है, तो आपस अपने आप लग जाएं। इसी के साथ पूरे साथियों के जोरदार तालियां बजा के आज के सफलतम कार्यक्रम की समाप्ति, और इसी के साथ आज का लाइव समाप्त करते हैं। नमस्कार। एक स्लाइड है, कुछ स्लाइड दिखाई जाए, कुछ स्लाइड लेके आए हमारे साथी, ये क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू CLCNs थ्रू नीट टेस्ट पेपर 22-23। दोस्तों टोटल हम लोगों ने 107 टेस्ट करवाए, 14,475 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए। ये नीट 2023 का फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, इन सब पे इंस्टाग्राम में जुबान पे आए नहीं अभी तक, वहाँ सब जगह ये सब उपलब्ध रहता है। और ये सबसे बड़ा हमारी जो किताबें हैं छह, ये हमारा सक्सेस अचीवर का जो हमारी बुक्स का मैटर है वो अनपैरेलल है। इसमें एक सप्तऋषि हो गया है, परमास्त्र जुड़ गया इसके अंदर एक। आगे चलें, और ये हमारा स्कैन आपका दो हमारे, ये ओनली CLCNs के लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए है। हमारे CLCNs के बच्चों जितने नंबर जोड़े हैं, जो नंबर जोड़े हैं वो इस QR कोड को, आपके पेपर पे भी था, आप इसको स्कैन करके मार्क्स भेज दें, लिंक आपके पास चला गया। और ये ब्रह्मास्त्र तो हमारा लास्ट में जोरदार था ही था, वो तो CLC के बच्चे समझ सकते हैं। तो ये कुछ स्लाइड्स थी। तो ओके दोस्तों, इसी के साथ आज का लाइव समाप्त करते हैं। जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले 3 घंटे से आप मेरे साथ बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों।